चलो 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 YouTube पे भी रखना है ना लेकिन आई क्या देख होमवर्क किया क्या ना को जम भी गया होगा ऐसा सब जम गए ये तो स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग करो ना चालू कर देना गुड मॉर्निंग सो जितने बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्टेड है आप सभी लोगों को बता दूं कि हम लोग ऐप पे शिफ्ट हो चुके हैं दो नॉट टेकन द ऐप ऐप पहले आप डाउनलोड कर लो एकत्वम अकेडमी का जो आपको लिंक के अंदर में आए मेल में एंड देन यू यू कैन स्टार्ट द प्लेयर राइट चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क किया था लेटेस्ट चेक द फाइनल आंसर सबसे पहले आपके पास दो होमवर्क थे 2.7 एंड 2.8 डू यू एग्री यस तो 2.7 एंड 2.8 2.7 का फाइनल आंसर आना चाहिए 7077 8 और राउंड ऑफ करके आंसर आना चाहिए 70780 सो so ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए यस yes. दूसरा था नाइन सिक्स टू सिक्स टू जीरो फाइनल आंसर आना चाहिए वन जीरो नाइन टू टू फाइव या वन जीरो नाइन टू थ्री जीरो आई होप यू आर गेटिंग दिस आंसर 1.0922 जीरो आ रहा है ना तो पॉइंट फिफ्टी का है तो अपन ने सीधा आगे राउंड ऑफ किया पैसे में देखो एक बात समझ के चलिए सभी लोग इनकम टैक्स को दस रुपए से फर्क नहीं पड़ता इसीलिए उन्होंने राउंड ऑफ कंसेप्ट लेके आया है समझ में आएगा तो इससे कोई आपके आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा दस रुपये कम या दस रुपए अंडरस्टूड बाय एग्जामिनर एज वेल समझ में आ रही बात तो वो उसमें कोई तकलीफ नहीं आता और वैसे भी पॉइंट फाइव या उससे आगे है तो आप वैसे ही हायर रुपीज़ पकड़ते हो है ना? चलो ये हो गए दो कुछ और भी होमवर्क थे ब्रो एक थ्री पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट फोर भी होमवर्क था तो टू फोर सिक्स एट सेवन हंड्रेड अच्छा आपको लगता है मैं पूरा वापस सॉल्व करना चाहिए कि सबको पता ही है करना क्या है टू पॉइंट थर्टी एड एक इसका फाइनल आंसर आना चाहिए ऑफ करके फाइव सेवन फाइव टू थ्री जीरो आपका आंसर आना चाहिए आर यू गेटिंग दिस आंसर मालिक यस आर यू गेटिंग दिस आंसर फिर आता है फोर्टी नाइन लैक्स फोर्टी नाइन लैक में से दस लाख हटाया बचे हुए पे 30% परसेंट एट एक लाख बारह हजार पांच सौ एड चार परसेंट फाइनल आंसर आ रहा है थर्टीन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड आर यू गेटिंग दिस आंसर चेक करते रहिए आपके आंसर अगर बराबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया मोए मोए अटेम्प्ट की बात सब ऐसे ही बोलेंगे आपको आई गेस एक फोर पॉइंट सिक्स भी होमवर्क था थर्टी फोर पेजेस लिख दिए इस आदमी ने इतना तो मैंने लिख पढ़ा ही नहीं बराबर ना हम्म तो स्पेशल इनकम देखो लॉटरी पे आ रहा होगा एटी थाउजेंड सॉरी लॉन्ग टर्म पे आ रहा होगा एटी थाउजेंड लॉटरी के ऊपर आ रहा है वन लैख एटी थाउजेंड हॉर्स रेस टू थ्री सिक्स सिक्सटी थाउजेंड और स्पेस स्लैब रेट सिक्सटीन में से दस हट्टे बचे हुए पे तीस एड एक लाख बारह हजार पांच सौ ग्यारह है टू नाइन टू फाइव हंड्रेड तो आपका टोटल टैक्स सिक्स लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड फाइनल आंसर इज सिक्स लैख थर्टी सेवन थाउजेंड यू गेटिंग द पॉइंट एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट कि ये क्यों लिया वो क्यों लिया ये क्यों आया वो क्यों आया पक्का कोई डाउट नहीं है एक हाथ तो पूछ लो चलो बहुत बढ़िया हाँ, हाँ 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 आ रहा है आ रहे आ रहे आ रहे मेरे को सब याद आ रहा है हमारा कुछ रिविजन आज रिविजन करेंगे सीधा टैक्स रेट से ठीक है तो सीधा टैक्स रेट उठाओ ऐसा कोई है जिसका पहला दिन है भाई ऐसा कोई नहीं है ना बहुत बढ़िया होगा तो प्लीज कल का एटलीस्ट लेक्चर चेक करके आना चलो सिर्फ चार्ट देखो कहाँ से चालू करेंगे ये यहाँ से अपन ने मस्त एक चार्ट बनाया था सही यश ठीक है स्लैब रेट अभी हम ओल्ड स्लैब पढ़ रहे हैं ओल्ड स्लैब के अंदर में इंडिविजुअल बिलो 60 नॉन रेसिडेंट इन ऑफ एज एच यू एफ ए यस और नो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नील टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू 5 लाख 5 परसेंट फाइव लैख टू 10 लाख 20 परसेंट अबाउट टेन लाख 30 परसेंट एच राउंड ऑफ जो है ये इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन करना है रिबेट कब मिलता है टोटल इनकम नॉर्मल प्लस एवर इज लोअर अब कई बच्चे ऐसे थे जो हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स नहीं समझ रहे थे हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है बेटा हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट ये नो नहीं तो आप ऐसे कभी मत सोचेगा सर वो जब तक रिबेट तो मतलब टैक्स का पार्ट है ना जब तक रिबेट नहीं होगा तो टैक्स कैसे निकलेगा उसका अंडरस्टैंडिंग यही होता है ऑफ टैक्स बिफोर रिबेट नो फिर आया था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए वाला बियॉन्ड वन लाख रुपीज टेन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिफ्टीन परसेंट कैजुअल इनकम थर्टी परसेंट ऑनलाइन गेम थर्टी परसेंट एम एम आर वी आर ये टू डिस्कस यस कल हम लोग एक सिचुएशन पे डिस्कशन कर रहे थे अब मैं इस सिचुएशन पे वापस आता हूं ये था वो हमारा सिचुएशन जिसके डिस्कशन को हमने कल छोड़ दिया था क्या तुम्हें याद है राइट right? अभी डिस्कशन क्या है ये देख लेते हैं सर सर अंडरस्टैंड डिस्कशन को समझिए अगर पीजीपीपी इनकम दो लाख रुपए है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लेट से एक लाख पचास हजार रुपए यहां टैक्स पेयर क्या कहेगा यहां पे टैक्स पेयर ये कहेगा कि सर एक काम कीजिए सिंस आई एम नॉट गेटिंग माई कंप्लीट बेसिक एक्सम्सन लिमिट अलाउ मी टू टेक फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम दी अदर इनकम सो दैट आई कैन टेक फुल बेसिक एक्सम्सन लिमिट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड द बैलेंस इनकम शुड बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट सो हियर द टैक्स पेयर इज से टू लैख फिफ्टी थाउजेंड

पहली बात हो गई ये दूसरी बात क्या ये एडजस्टमेंट हर तरह के एस एस के लिए है क्या आंसर इज नो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है रेसिडेंट मतलब नॉन नॉन नॉट नॉट टेक टेक दिस दिस बेनिफिट बेनिफिट अ वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा अब आता है तीसरे सिचुएशन के ऊपर ये इनकम कौन कौन सी एडजस्ट की जा सकती है मतलब स्पेशल इनकम तो हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है एक मिनट लिस्ट तो कौन कौन सी इनकम स्पेशल इनकम है एक मिनट लिस्ट पलटो कौन कौन सी इनकम स्पेशल इनकम है हमारे पास कैपिटल गेन दिख रहा है लॉटरी विनिंग दिख रहा है लॉन्ग टर्म yes no? मतलब कैजुअल विनिंग और लॉटरी विनिंग से ये एडजस्ट हो सकता नहीं पूछो ना क्यों बेटा वो इस चीज के लिए बेटा वो इस चीज के लिए क्योंकि पूरे इनकम टैक्स में अकेला लॉटरी विनिंग ही एक ऐसा इनकम है जिसमें विनिंग टैक्सेबल है इनकम नहीं जिसमें क्या टैक्सेबल है विनिंग विनिंग अब आप ये पूछेंगे, ये पूछेंगे और इनकम में फर्क क्या है सर बात तो एक ही होगी अरे पूछो ना सपोज कीजिए मैंने दस रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और मुझे सौ रुपए का लॉटरी लगा तो टेक्निकली मेरा इनकम कितना हुआ नाइनटी क्योंकि दस तो मेरे ही पॉकेट से गया था ना मेरा इनकम कितना हुआ 90 यहां 90 पे टैक्स नहीं होता पूरा 100 रुपीस पे टैक्स होता है यानी पूरे इनकम टैक्स में हर जगह लिखा है विनिंग इज टैक्सेबल लेकिन लॉटरी और कैजुअल इनकम ऐसी इनकम है हॉर्स रेस विनिंग ऑनलाइन विनिंग लॉटरी एनी काइंड ऑफ गेम शो जो आपने खेला इन सब जगह पे विनिंग टैक्सेबल है इनकम नहीं और विनिंग टैक्सेबल है मतलब किसी खर्चे का डिडक्शन मिलता नहीं अगर विनिंग टैक्सेबल होगा तो फिर आपको सेट ऑफ करने कैसे मिलेगा क्योंकि विनिंग टैक्सेबल है लॉ बहुत क्लियर है क्या टैक्सेबल है विनिंग इसीलिए लॉटरी इनकम और कैजुअल इनकम और मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो एडजस्ट नहीं होने वाला जो एडजस्ट करना है वो सिर्फ क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एनी एक सौ ग्यारह है एक सौ बारह एक सौ बारह एक सौ बारह कुछ भी सिर्फ कैपिटल गेन एडजस्टेड है तो तीन बातें जो हमें याद रखनी है पॉइंट नंबर वन तीन बातें जो हमें याद रखनी है पॉइंट नंबर वन एक कि क्या अगर मेरे पास सिर्फ स्पेशल इनकम हो क्या वो पूरी एडजस्ट हो सकती है ये yes. दूसरा ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए है रेसिडेंट तीसरा जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए कौन सी इनकम चाहिए सिर्फ स्पेशल स्पेशल में भी कौन सी कैपिटल गेन एनी टाइप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ में आया नहीं. कैजुअल नहीं क्या लिखा है पॉइंट यस yes. तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है क्लियर अच्छा जी सर सर मेरे को एक और बात बताइए इसी का एक और डीप अंडरस्टैंडिंग दीजिए अब हम कह रहे हैं कैपिटल गेन में से कुछ भी एडजस्ट होगा ठीक है अब मैं आपकी समझदारी यहां पर टेस्ट करना चाह रहा हूं और जो बच्चों का ध्यान होगा वो बहुत गजब पॉइंट समझेंगे ये टैक्स प्लानिंग है जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए करोगे सपोज कीजिए यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सौ भी है अज्यूम कीजिए इतना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए है अज्यूम कीजिए इतना ही हंड्रेड एंड इलेवन ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड इफ आई गिव यू एन ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द डेम टू यू नो सेट ऑफ फर्स्ट लॉजिकली आप कौन सी चीज पहले सेट ऑफ करना चाहेंगे हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए या हंड्रेड एंड इलेवन ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए पहले एडजस्ट करना चाहेंगे? हंड्रेड एंड ट्वेल्व पहले एडजस्ट करना चाहेंगे एनी वन हंड्रेड एंड इलेवन ए पहले एडजस्ट करना चाहेगा अच्छा सवाल पूछता हूं क्यों हंड्रेड एंड ट्वेल्व आप पहले एडजस्ट करेंगे

तो तुम हमेशा वो करोगे जिससे क्लाइंट का ओवरऑल टैक्स कम हो जाए नो yes no? तुमने कहा ही नहीं हम आगे बढ़ गए बात सिंपल है अगर आप क्लियर बता देते तो लॉ ने ये नहीं बताया पहले क्या सेट ऑफ करना है लॉ ने सिर्फ ये ये बोला सेट ऑफ करना है अब आपकी समझदारी है कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्या करें पहले हायर टैक्स रेट वाली चीज सेट ऑफ करें सो दैट हिज ओवरऑल टैक्स इज रिड्यूस्ड आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो चलो आइए नोट लिखिए नोट कहा लिखेंगे ये चार्ट अपना चालू ही है अब तक चार नोट हो गई अब तक चार नोट हो गई हम आएंगे फिफ्थ नोट के ऊपर स्पेशल एडजस्टमेंट हम आएंगे फिफ्थ नोट के ऊपर स्पेशल एडजस्टमेंट स्पेशल एडजस्टमेंट अब मैं इसे स्पेशल एडजस्टमेंट क्यों कह रहा हूं हर बार नहीं होती ये एडजस्टमेंट हर बार नहीं होती इफ असेसी इज रेसिडेंट इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एनी इफ यू हैव डिफरेंट पेन नॉट कैजुअल विनिंग ओब्लिक ऑनलाइन विनिंग एंड असेसी कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट सच स्पेशल इनकम Shall be first utilized towards basic exemption limit and balance, if any, shall be taxable. At special rate, if a SSC is resident and has special income like short term capital gain, long term capital gain, any. Not casual oblique online winning. Not casual oblique online winning. And SSE cannot absorb basic exemption limit. Such special income shall be first utilized towards basic exemption limit. Such special income shall be first utilized towards basic exemption limit.

याने अब हमारा टाइम आ गया एग्जाम्पल नंबर फाइव देखने का बराबर है ना मस्त इधर करो पहले अपने आप को बताओ कि हम कहा हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव देखो बेटा एक एक, एक एक करके हम लोग स्टेप नंबर स्टेप ऊपर जा रहे हैं यस ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि भैया यू नो हां ये चैप्टर है ये ये होता है ये ये होता है ये होता है खत्म गलत रेगुलर बैच है फास्ट ट्रैक नहीं एग्जाम्पल नंबर फाइव अब बताओ स्पेशल एडजस्टमेंट अब बताइए क्या किया जाएगा अब अगर आप ध्यान देंगे इस केस में आपका नॉर्मल इनकम टू लैक है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बट डी यहाँ पे कितना हो जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इसमें से बेसिक एग्जाम लिमिट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर देना आपका टैक्स वैसे क्या आ जाएगा बेटा नील अब आपकी स्पेशल इनकम बचेगी स्पेशल इनकम कितनी बचेगी एक लाख रुपए दैट इज वन पॉइंट फाइव लाख में से आपने फिफ्टी थाउजेंड एडजस्ट कर दिए इस पे टैक्स ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से आना चाहिए क्या ब्रो टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी बेटा ट्वेंटी थाउजेंड टोटल टैक्स ट्वेंटी थाउजेंड मैं अब अपने प्यारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ क्या रिबेट मिलेगा जब भी प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला हो डू वी अज्यूम ही इज रेसिडेंट डू वी अज्यूम ही इज इंडिविजुअल डू वी ही इज लेस देन एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स अब बताओ क्या रिबेट मिलेगा ऑब्वियसली yes, रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स प्रायर टू रिबेट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर वॉट इज लोअर वॉट इज बैलेंस टैक्स सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें ऐड करेंगे एच ई सी एट द रेट ऑफ

सालक का एक बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज नॉट कवर्ड अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस रूल वो तो वैसे ही नॉर्मल इनकम है ना बेटा वो तो वैसे ही नॉर्मल इनकम है पर ये तो मैंने सॉल्व किया हा ना एक आप भी तो करोगे ना समझना तो पड़ेगा मेरे को तुम्हें कि नहीं 5.1 और 5.2 पॉइंट टू होमवर्क एच पी यहाँ पर लिखे कंप्यूटेड मैं हाल फिलहाल में ये नहीं समझा पाऊँगा मैं कंप्यूटेड क्यों लिख रहा हूँ आप भी लिख दीजिए हाँ जी वर्षा बाकी होता है एवडा अजन बाकी है हो बेड़ा हे, एवडा ठीक बाकी है ना हाँ कर लो उसी हूं अब किसी नालायक के मन में जरूर आ रहा होगा सर ये तो। 112 सौ बारह होता है यहां पर तो इफ दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड हैव बीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए देन जो भी एडजस्टमेंट होना है वो बियॉन्ड रुपीज वन लैख ही होता ये yes सनो no? चलो ये डन है एचपी कंप्यूटेड आ रहा है ट्वेंटी थाउजेंड सैलरी कंप्यूटेड आ रहा है नाइन्टी एट थाउजेंड लॉटरी सिक्सटी थाउजेंड बताइए टैक्स रिक्वेस्टिंग एवरी वन जिस जिसके भी फ़ोन बज रहे हैं प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए आपका फ़ोन साइलेंट हो आज ज़्यादा बज रहे हैं बस इसलिए कहे ऐसा कर रहे हो भाई ऊपर वाला प्रॉब्लम अब भी किसी का बाकी है क्या तो ये पहले लिख लो या एटलीस्ट फोटो ले लो आप बहुत स्लो चल रहे हो फिर Boleh. एनीवन एनीवन यहां आके अटक गए क्या बेटा रिबेट मिलेगा क्या ट्वेंटी थाउजेंड प्लस नाइन्टी एट थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड इन टोटल आपका इनकम ही वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड का है बराबर है अब इधर जरा चेक कीजिए जो भी आपकी नॉर्मल इनकम है नॉर्मल इनकम मतलब आपकी एचपी प्लस सैलरी बराबर है इस पर टैक्स क्या आएगा नील सिंस इनकम डू नॉट एक्सीड बोलो बेटा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब जो भी आपकी स्पेशल इनकम बनी दैट इज सिक्सटी थाउजेंड इन थर्टी परसेंट दैट एटीन थाउजेंड यह आया मेरा टोटल टैक्स एटीन थाउजेंड कोई बच्चा के सर ये थर्टी परसेंट कहाँ से लाया जस्ट इन केस किसी को है क्या ऐसा सर थर्टी परसेंट किधर से लाया आपका इनकम दस लाख के ऊपर तो है ही नहीं ऐसा कोई नहीं है ना ठीक है हाँ क्या रिबेट मिलेगा हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स बिफोर रिबेट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर इज इट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो भी आपका टैक्स बचा डबल फाइव डबल जीरो भाई एच ई सी लगाऊ क्या कितना परसेंट लगाऊ सर ये तो प्रॉब्लम में लिखा ही नहीं था कि एच ई सी भी लगाना है जब उनने कहा टैक्स निकालना है तो ये करना ही है बहुत हार्ड भाई बहुत हार्ड कितना मुश्किल है ना कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है लाइफ चलो बड़ू बच्चा आगे एक होमवर्क ले लो ना प्लीज हाँ जी बच्चे मैंने बोला बेटा आपने सुना नहीं मैंने कहा एच पी में यहाँ पे कंप्यूटेड लिख रहा हूँ ये क्यों आपको थोड़ी देर बाद समझेगा हाल फिलहाल में बस लिख दो अब ऐसा क्यों होता है एक बेसिक रफ आइडिया दे देता हूँ नहीं तो क्यूरोसिटी रहेगी मन में एच पी में अगर कंप्यूटेड ना लिखा हो और सैलरी में अगर कंप्यूटेड ना लिखा हो तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता है एच पी से थर्टी परसेंट का और सैलरी से फिफ्टी थाउजेंड का बट वी आर येट टू अंडरस्टैंड वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया होमवर्क है बहुत हार्ड है समझ लेना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड फाइव लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड बहुत हार्ड क्वेश्चन है और बस इतना ही क्वेश्चन है आई एम श्योर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसका जवाब निकालना और अभी नहीं सॉल्व करना है कॉमॉन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट द सिक्स एंड द लास्ट नोट सरचार्ज सिक्स एंड द लास्ट नोट सरचार्ज बराबर होमवर्क घर में करना है प्लीज यहां मत करो मैं जानता हूं बहुत क्यूरोसिटी आ रही है रुक जाओ बाद में करना है ना मेरे को यह भी पता है शायद बहुतों तो का आंसर अब तक कैलकुलेटर पे आ चुका होगा बाद में करना इधर हो सर चार्ज हाँ जी भैया चलिए शुरुआत करते हैं पहले इतिहास पढ़ लेते सर सरचार्ज का मतलब क्या था कुछ याद नहीं आ रहा टैक्स ऑन टैक्स बेसिक्स में ही पढ़ा है हमने हाँ तो ये जो सरचार्ज कलेक्ट होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा ठीक है ठीक है ठीक है ओनली दुबई यूनियन क्या सरचार्ज हर व्यक्ति को एप्लीकेबल है या जिसकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जा रही है एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर रही है रफली मैंने बताया था 50 ,00 के ऊपर जा रही है यस yes, अब इस सरचार्ज के बारे में थोड़ा समझते हैं और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने सरचार्ज के साथ कैसे खेला मैं मैं yes, मैं आपको आपको वो बताता हूं अ पॉलिटिक्स लॉट टू डू इनकम टैक्स यस बट एक बात बता हियर एंड आफ्टर जितनी भी जगह पे पॉलिटिकल डिस्कशन करूंगा ना मैं कांग्रेस की तरफ हूं ना मैं बीजेपी की तरफ हूं मैं किसी की तरफ नहीं हूं जो फैक्ट थे मैं वो बता रहा हूं सर आपको ये कहां से पता होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमारे पता है कि क्या गतिविधि चल रही है Yes, और शायद तुमको भी अभी फाइनल में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजों पर कहा नजर रखनी है तो आपको समझेगा कि कहा्रेस कहा, क्या, क्या, क्या तो समझे सरकार और उसके बाद आई एनडीए गवर्नमेंट दैट इज मोदी गवर्नमेंट तब तक के सरचार्ज कितना हुआ था जरा समझना लिखना कुछ नहीं सिर्फ सुनते रहो क्लरिकल वर्क मत करो सुनते रहो मैं आपको बोलूंगा लिखना गाय उसके पहले सरचार्ज कितना हुआ करता था अगर आपकी इनकम एक करोड़ रुपए से ऊपर चले गई तो आपके ऊपर होता था सरचार्ज एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट बराबर है चौदह आया दो टैक्स, चौदह में अब की बार मोदी सरकार आई मोदी सरकार ने क्या किया इसे बस थोड़ा सा चेंज किया इसे बस क्या किया थोड़ा सा चेंज किया और अगर किसी भी अमीर आदमी मोदी सरकार के राज्य में माना गया पचास लाख से ज्यादा कमाने वाला पचास लाख के ऊपर अगर आप जा रहे इस तरीके के, के सरचार्ज लगाए गए बराबर मतलब अगर आप देखेंगे तो सरचार्ज जो था ये बढ़ गया समझ में पचास लाख से भी ऊपर अगर भारत में कोई कमा रहा है तो आ गया 2015 तुम्हारे भैया आते हैं एक नए स्लोगन के साथ मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा तब तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया लेना किससे और देना किसको है समझ में आया तब तक ये सब सही चल रहा था फिर आ गई नोटबंदी 2016 फिर आ गया जीएसटी 2017 फिर आया 2019 का इलेक्शन भाई ने फिर वही स्लोगन निकाला और कहा भाई और बहनों मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा तब तक किसी को नहीं समझ में आ रहा था वो क्या रहा है 2019 सरचार्ज में दो चीजें ऐड की गई एनहांस सरचार्ज सरचार्ज में क्या ऐड किया गया एनहांस सरचार्ज। अब कहा गया इनकम अगर आपकी 50 लाख रुपए तक की है बराबर है देर इज नो सरचार्ज जहां आपकी इनकम 50 लाख रुपए के ऊपर गई सर बेटा टेन परसेंट जहां आपकी इनकम एक करोड़ के ऊपर गई सर चार्जिस फिफ्टीन परसेंट जहां आपकी इनकम दो करोड़ के ऊपर गई सर चार्जिस ट्वेंटी फाइव परसेंट और जहां आपकी इनकम पांच करोड़ के ऊपर गई सर चार्जिस थर्टी सेवन परसेंट मतलब मान लीजिए दर्शन खरी कितना टैक्स पे करता होगा सपोज करो दर्शन करी का इनकम टेन करोड़ है अजूम अजूम क्या फैक्ट कर्शन करी का इनकम दस करोड़ टैक्स इज एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट सिंस इनकम इज एक्सीडिंग फाइव करोड़ सरचार्ज इज एट द रेट ऑफ थर्टी सेवन परसेंट एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट जरा कैलकुलेटर लो थर्टी प्लस थर्टी सेवन परसेंट बिकॉज इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स प्लस एच ईसी लाला मेरे लाला कितना परसेंट हो रहा है अगर दर्शन खरे ने दस करोड़ रुपए कमाया फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर करोड़ रुपए तो उसको सिर्फ डी टी देना है पेज पलटो जरा पेज पलटो पेज पलटो का कहे थे हम तुमसे एमएमआर तुम निकालोगे हम नहीं बताएंगे का कहे थे हम तुमसे एमएमआर तुम निकालोगे कहीं दिख रहा है कहीं दिख रहा है कब भैया कितना दिख रहा है 42.744 परसेंट मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक इंडिविजुअल पे लगने वाला सबसे ज्यादा टैक्स रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक इंडिविजुअल के ऊपर लगने वाला सबसे हाईएस्ट सर कैसे आया वापस एक बार थर्टी परसेंट इज द टैक्स रेट क्योंकि दस करोड़ इनकम है तो ऑब्वियसली वो थर्टी परसेंट के स्लैब में है प्लस थर्टी सेवन परसेंट सर चार्ज प्लस फोर परसेंट से मैक्सिमम मार्जिनल रेट अब आप सोच के बताइए जो एच है वो इंडिया में रहना भी चाहेगा क्या नहीं रहना चाहेगा अरे क्यों रहना चाहेगा अरे तू सोच करके देखना आदमी जो पैसा कमा रहा है फोर्टी टू परसेंट उसका टैक्स जा रहा है मतलब सुबह उठ के मेहनत साढ़े सात बजे करूं मैं सुबह जल्दी उठू मैं चिल्लाते बैठू मैं सारी मेहनत करूं मैं और एंड में आके गवर्नमेंट बोलती है आई एम योर इनडायरेक्ट पार्टनर साइलेंट पार्टनर गिव मी द शेयर हम लोगों सारा रिस्क मेरा कैपिटल मेरा बिजनेस मेरा और विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड गुडविल कौन लेके जा रहा पार्टनर ए जबकि मर कौन रहा है सी क्योंकि हम तो है ही सी पार्टनर सी हम तो है ही पार्टनर सी सौ रुपए कमाया उसमें से फोर्टी टू रुपीज तो गवर्नमेंट को देना है और आप भूलिएगा मत ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है ये सिर्फ डीटी है, है जीएसटी अलग समझ रहे हैं आप कुछ इस चक्कर में हो ये रहा है कि मैक्सिमम एच नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल मेरे साथ पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस में मैक्सिम एच है वो इंडिया में रुकना ही नहीं चाह रहे वो बोल रहे सेवन फोर फोर परसेंट टैक्स आपको आज का हकीकत बताऊं कंपनी का टैक्स रेट पंद्रह परसेंट और इंडिविजुअल का टैक्स रेट थर्टी सेवन परसेंट सॉरी थर्टी परसेंट प्लस थर्टी सेवन परसेंट कंपनी का सरचार्ज बारह परसेंट तुम लोगों का सरचार्ज चार्ज थर्टी सेवन परसेंट सर तो क्या हमने पैदा हो की गलती कर ली नेचुरल पर्सन पैदा हो की गलती कर ली आर्टिफिशियल <laughs> पर्सन होते तो टैक्स रेट कम होता एंड दैट इज द रीजन कि आज इंडिया में कंपनीज ज्यादा डेवलप हो रही है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज अगेन इन 2015 उन्होंने प्रमोट किया था मेक इन इंडिया उन्होंने बोला था मेक इन इंडिया राइट अब मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए आप किस तरीके से वर्क कर रहा है नॉन रेसिडेंट कंपनीज जो इंडिया में आ रही है गिफ्ट सिटी के नाम पे टैक्स एग्जाम्शन दिया जैसी गिफ्ट सिटी में टेस्ला इंडिया के अंदर में आएगी यू वॉन गो मैड सुनो टेस्ला जैसी इंडिया में आएगी जैसी इंडिया में आएगी यहाँ के रेट्स बढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों के पास पैसा बढ़ेगा कंपनी को एग्जम्ट कर दिया लेकिन कंपनी जो सैलरी देगी लोगों को उस पे क्या ले लिया टैक्स इससे डुअल बेनिफिट हुआ नॉन रेसिडेंट कंपनी फ्रीली इंडिया में आने लग गई इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया व्हेन इट कम्स टू टैक्स पहले इससे लेते थे क्या फर्क पड़ रहा अब इससे लेंगे लेंगे तो सही है. समझ में आया फिर ये लोग क्या करेंगे ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट खरीदेंगे अलग अलग सर्विसेज लेंगे जितने अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज लेंगे उनमें ये धीरे धीरे टैक्स पे करते रहेंगे इन द नेम ऑफ जीएसटी समझ में एंड दैट्स हाउ इकोनॉमी रन हाउ इकोनॉमी रन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम टू अनादर कल का समझ में आया क्या यस तो दैट्स थिंग्स आर डन तो अब क्या हो गया अब सरचार्ज रेट बढ़ गया कितना अब सरचार्ज रेट क्या है अगर इनकम पचास लाख रुपए तक के टोटल इनकम पचास लाख रुपए तक के है बोलो बेटा टोटल इनकम पचास लाख रुपए तक के है सरचार्ज विल बी नील इनकम हम आप आपकी पचास लाख से एक करोड़ के ब्रैकेट में है टेन परसेंट फिर फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट तक के सरचार्ज चलता है रहे हो, doesn't matter? Yes, मुझे बताइए और ही सरचार्ज में आ रहा होगा क्या सो दो नो देर इज अ करेक्ट आई मीन देर इज अ पर्सन राइट वो आ रहा होगा क्या हाँ क्योंकि एक जगह हाथ रखने का कितना रुपए ले रहा है तीस लाख मल्टीपल जगह हाथ रखा आदमी ने अब इंटरव्यू में कहा हुआ क्या जब 2019 के अंदर में सरचार्ज ला लिया तो जो नॉन रेसिडेंट्स थे जिन्होंने इंडिया में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा था उन्होंने बोला हम हमारा पैसा निकाल रहे दैट इज द एफडीआई पूछो क्यों उन्होंने बोला इतना हाई टैक्स जो लोग स्टॉक मार्केट में डील कर रहे होंगे सोच के देखो ना उसके लिए कितना बड़ा टैक्स है पहले तो बीस परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या दस परसेंट शेयर केस में एज अ में आप दस परसेंट बीस परसेंट ले रहे हैं पंद्रह परसेंट ले रहे हैं और उसके बाद आप और थर्टी सेवन परसेंट ले रहे हैं उसके बाद आप और सरचार्ज ले रहे हैं सोच के देखना जितना हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट एफ एन ओ वाले करते होंगे वो लोग तो बोलेंगे हम क्या पागल है के, के इंडिया में आगे इन्वेस्ट करेंगे फिर लोगों को समझ में आ गया भैया एफ का पैसा इंडिया से जाने लग गया मोदी गवर्नमेंट को समझ में आया स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा यार FDI का पैसा निकल गया तो उन्होंने तुरंत एक प्रोविजन लेकर एप्लीकेबल नहीं है। एक मिनट मैंने कहा एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है इन चारों में से एनहांस कौन सा है ये दो क्योंकि ये तो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे 2019 में सिर्फ ये दो को एनहांस किया गया था इन दो को क्या किया गया था एनहांस तो ये लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कैपिटल गेन एंड डिविडेंट इनकम सर डिविडेंड क्यों क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम डिविडेंड इनकम भी होती है तो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम पे एनहांस सर चार्ज एप्लीकेबल नहीं है इस लाइन को प्लीज फिर से सुनिए मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं एनहांसार्ज कैपिटल गेन और डिविडेंट इनकम एप्लीकेबल नहीं है क्या तो आप मुझे बताइए कैपिटल गेन की इनकम पे मैक्सिम रेट ऑफ सरचार्ज कितना है फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज इज एप्लीकेबल एनहानस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल वापस से

15% अब मैं आपसे पूछना चाहता अगर मेरा बिजनेस इनकम इनकम, थ्री करोड़ है वॉट इज सरचार्ज रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट यहां स्लैबरेट नहीं है यहां स्लैबरेट नहीं है यहां डायरेक्ट थर्टी सेवन ट्वेंटी फाइव परसेंट है yes? यही अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीन करोड़ है वट इज द सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट वहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल है एनहान सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है फिर अब आपके मन में और सवाल आएंगे होल्ड करिए आइए पहले मेरे साथ चार्ट बनाइए सर ये सब एक ही जन्म में पढ़ना है एक अटेम में है ना

कैपिटल गेन एंड डिविडेंट अदर इनकम पर्टिकुलर्स। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू फिफ्टी लैक्स है रिक्वेस्टिंग अगेन प्लीज़ एक बार सभी लोग मोबाइल चेक कर लो और प्लीज़ साइलेंट कर लो है ना आज पता नहीं बहुतों को बहुतों की याद आ रही है गुड मॉर्निंग बाबू मेले बाबू ने थाना थाया प्लीज़ उसको बोल दीजिए बेबी इट्स विजय लेक्चर सॉरी एल्स ब्रेकअप है ना? थोड़ा सा मेरा भी ये कर देता हूँ आप लोग भी कर दीजिए विषय ख़त्म डन तो अब अच्छा जब मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं बट डी मैं 111 ए 112 ए 112 तीनों की बात कर रहा हूं बराबर है ना इसीलिए मैंने सीधे एक शब्द में लिख दिया डिविडेंड एंड कैपिटल गेन तो हम क्या बात कर रहे हैं कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन मतलब एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन एनी एनी कैपिटल गेन एनी डिविडेंड इनकम अगर आपकी टोटल इनकम अप टू फिफ्टी लाख रुपीज है सर चार्ज है ही नहीं यानी उस केस में हमारा टैक्स क्या होगा टैक्स प्लस एच ई सी बात खत्म कल जो आपको एक होमवर्क दिया था वो इसी कैटेगरी पे तो बेस्ट था फोर्टी नाइन लैख फोर्टी नाइन लैख प्रॉब्लम पलटू तो प्रॉब्लम फोर्टी नाइन लैख एग्जाम्पल नंबर क्या था देखो हा जी थ्री पट फोर मेंशन कर सकते हो यहां पे यानी अगर आपकी इनकम अप टू फिफ्टी लाख रुपीज है देर इज नो सरचार्ज नीड टू पे इन दैट केस द टैक्स वुड ओनली बी टैक्स प्लस एच ई विषय खत्म समझ में आया क्या ठीक दूसरा इफ द टोटल इनकम इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स फिफ्टी लैख अप टू रुपीज वन करोड़ अगर आपकी टोटल इनकम पचास लाख से ऊपर है और एक करोड़ रुपए तक की है तो सरचार्ज कितना होगा बेटा टेन परसेंट ऑन एनी काइंड kind ऑफ of इनकम एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है सरचार्ज तो एप्लीकेबल है तो इधर भी टेन आएगा इधर भी टेन ही आएगा सिचुएशन नंबर थ्री अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है वन करोड़ से अप टू बोलो बेटा टू करोड़ सरचार्ज विल बी 15 परसेंट सो वन करोड़ टू टू करोड़ ब्रैकेट सरचार्ज विल बी 15 परसेंट एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है अपना बोलो फाइव था ना लास्ट एग्जाम्पल सिक्स सिक्स पॉइंट वन देखिए हम आज ही आपका रजिस्टर इंटरलिंक कर रहे हैं कि आपके रजिस्टर में आगे क्या लिखा है वो आपके जगह जगह के प्रोविजन पे है और जहां जहां आप रुकेंगे सेल्फ स्टडी करते वक्त वहां वहां उसका क्रॉस रेफरेंस मिलेगा ये आगे है चलो आ जाओ बेटा एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट वन उसके ऊपर हेडिंग दे दो सरचार्जेस वन सी आर टू टू सी आर ब्रैकेट सपोज कर लो आपका टोटल इनकम है वन करोड़ सिक्सटी एट लैक्स बराबर

बोलता हूँ वो भी बंद करूँ बोलता हूँ ये भी बंद करूँ ठीक है बुलाता हूँ मैं सारे एसी बंद करवाता हूँ दो मिनट रुको ये भी बंद करूँ मैं समझ गया पूरे इंडिया के ए बंद कर रहा हूँ मैं ठीक है अभी सॉल्व करो हो पाएगा क्या तुमसे वन करोड़ सिक्सटी एट लैख चलो यार बहुत इजी है अच्छा पहले टैक्स निकालो उसके आगे की बात आगे करेंगे टैक्स आगे है क्या बता बेटा अप टू रूपीस अप टू एन इनकम ऑफ टेन लैक्स एक लाख बारह हजार पांच सौ बोल बेटा बैलेंस इनकम कितना है वन लाख फिफ्टी नहीं वन करोड़ फिफ्टी एट लैख बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में जितना बैलेंस बचा उस पर थर्टी परसेंट फोर्टी सेवन लैख फोर्टी थाउजेंड वॉट इज माई टोटल टैक्स फोर्टी एट लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड सिंस माई टोटल इनकम एक्सीड वन करोड़ टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब नॉर्मल प्लस स्पेशल सिंस माई टोटल इनकम एक्सीड वन करोड़ वॉट इज द रेट ऑफ सरचार्ज फिफ्टीन यहां वो स्लैब के हिसाब से नहीं जाता डायरेक्ट ठीक है तो ऐड करना पड़ेगा क्या एड करना पड़ेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो इन टू फिफ्टीन परसेंट सेवन ट्वेंटी सेवन एट सेवेंटी फाइव ये बनेगा आपका टोटल टैक्स फिफ्टी फाइव एटी थ्री सेवेंटी फाइव हाँ तो खत्म अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में छूटता ही नहीं फाइनल टैक्स लाइबिलिटीवुड भी फाइव एट जीरो थ्री फाइव नाइन जीरो नाइनटी जस्ट इमेजिन किसी ने एक करोड़ वन करोड़ सिक्सटी एट लैख कमाए डी टी ही सिर्फ उसको अट्ठावन लाख रुपए देना है वो आदमी बोलेगा मैंने कमाया ही क्यों <laughs> है ना वो आदमी बोलेगा मैंने कमाया क्यूँ जीवन में अब शायद आपको समझ में आएगा आपके घर वाले कितने एथिक्स फॉलो कर रहे होंगे बराबर है कि नहीं अब फैक्ट पता है क्या है आपको पता है आपके घर वालों की इनकम कितनी है फैक्ट पता है क्या है अब आपको समझ भी रहा हूँ दिखाते कितने होंगे <laughs> समझ में आ रहा है अब आपको समझ भी रहा कि वो दिखाते कितनी है और अब आपको समझ में आ रहा कि क्यों पप्पा जब भी आपको घुमाने लेके जाते हैं पप्पा के जेब से कैश ही निकलता होगा कोई खरीदी करने लेके जा रहे हैं कैश निकल रहा है कोई गोल्ड एंड अदर चीजें परचेस करने जा रहे हैं कैश निकल रहा है घर में शादी हो रही है कैश निकल रहा है अभी कैश क्यों निकल रहा है हर जगह भैया कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं कैश निकल रहा है अभी कैश क्यों निकल रहा होगा समझो तुम्हारे पप्पा कर क्या रहे हैं समझ में आ रही है बात बोलने का नहीं सिर्फ चुप रहने का सिर्फ देखते रहने का आप सोचिए आपके डैड मतलब जब हम इतना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गए हैं लॉजिकली उनके पास तो कैश होना ही नहीं चाहिए बट एवरी टाइम दे हैव इन देयर पॉकेट कैश क्यों तो अब आप समझ लो क्या हो रहा होगा लाइफ में समझ में आया बात ऐसा कई लोग करते बेटा आपने ऐसा नहीं करना चाहिए लिव लाइफ एथिकली एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स अरे यार ये तो मैंने सॉल्व किया एक मिनट आपको बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा एक लिपस्टिक लो पहले इधर लिपस्टिक लगाओ ये एडजस्टमेंट है यहां पर ये तो मैंने सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट टू पबजी वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए ट्वेल्व टू लैक्स टोटल वन करोड़ एटी टू लैक्स होमवर्क कर लीजिएगा बाद में भाई जी क्लियर होमवर्क के बाद में करिएगा वापस से चार्ट पे आओ हो. ये होमवर्क है वन करोड़ ट्वेंटी लाख इस पीजीबीपी लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सिक्सटी टू लाख चलिए थर्ड कैटेगरी पे आते हैं थर्ड कैटेगरी डन अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंट इनकम एक्सीड टू करोर अप टू फाइव करोर जहां आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर गई दो करोड़ रुपए से और पांच करोड़ के ब्रैकेट में है आप एक वर्ड वहां पे जरूर फोकस कीजिए एक्सक्लूडिंग मतलब आपकी अदर इनकम अगर दो करोड़ के ऊपर है तो लॉ और हिस्ट्री जो मैंने बताई उस हिसाब से लॉ बताइए पहले कॉलम में कितना लिखो पहले कॉलम में कितना लिखो 15% परसेंट लेकिन दूसरे कॉलम में कितना लिखो 25% परसेंट समझ में आया हिस्ट्री के साथ लॉ क्या है एनहांस सरचार्ज कैपिटल के नॉट डिविडेंड इनकम पे नहीं है अदर इनकम पे तो है ना सर अदर इनकम बिजनेस प्रोफेशन हाउस प्रॉपर्टी सैलरी अदर इनकम जो कैपिटल के ना डिविडेंड इनकम नहीं है तो उनके ऊपर सरचार्ज कितना पहुंच गया 25 फाइव परसेंट विजय साडा अर्न लॉटरी ऑफ फोर करोड़ टैक्स इज थर्टी परसेंट सरचार्ज इज ट्वेंटी फाइव परसेंट सेस इज फोर परसेंट समझ में आ रही है क्या बात राइट right? hmm. फिफ्थ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स फाइव करोड़ पहले कॉलम में कितना लिखो? फिफ्टीन परसेंट दूसरे कॉलम में कितना लिखो? थर्टी सेवन परसेंट ऐसे कैसे एग्जाम्पल नंबर सेवेन आपके अगर दोस्त ने देख लिया ना आपका रजिस्टर वो परेशान हो जाएगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते होते हैं बेटा बिल्कुल होते करोड़ करोड़ गेम। सर्चार्ज करोड़ गेम। हर बार की तरह एक मेरा एक आपका मंजूर एक मेरा एक आपका मंजूर है क्या बोल जल्दी से तुम इतना फोर्स कर रहे हो इसलिए लिखो मेरा दो मिनट पेन वर्क नहीं करा जब तक डिक्टेट करो एग्जाम्पल सेवन पॉइंट वन टोटल इनकम टोटल इनकम ट्वेल्व करोड़ स्टार्ट चलो चालू करो पूरा फॉर्मेट अच्छे से एक एक वर्ड डालो जल्दी नहीं है एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर करता है जो लोग ट्वेल्थ के आगे करोड़ लिखने में जीरो समझना चाह रहे हैं याद रख लो करोड़ में सात जीरो होते हैं बहुत जल्द कमाना है तुमको तो ये यह समझना जरूरी है करोड़ में कितने जीरो होते सात करोड़ को मिलियन बोलते या बिलियन बोलते मिलियन बोलते बिलियन बोलते उसको स्पीड लाओ स्पीड लाओ पहले दस लाख तक का टैक्स आपको पता है बैलेंस पे थर्टी परसेंट टोटल टैक्स टैक्स निकलने के बाद इसमें क्या ऐड कर सरचार्ज फाइव करोड़ फाइव टेन सिक्स फिफ्टी कर दू क्या सॉल्व प्रो अरे तुमसे ना हो पाएगा हुआ क्या हुआ क्या कितना या करना स्पीड में हम्म बोलो बोलो आपका टोटल इनकम आपका टोटल इनकम ट्वेल्व सीआर रखा गया इसमें से टू टेन लैक्स एक लाख बारह हजार पांच सौ जो भी बैलेंस बचा दैट्स वन करोड़ नाइनटीन लैक्स नहीं इलेवन करोड़ नाइन्टी लैक्स इसपे टैक्स रेट थर्टी परसेंट थ्री करोड़ फिफ्टी सेवन लैख आपका टोटल टैक्स बन रहा है थ्री करोड़ फिफ्टी एट लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ थर्टी सेवन परसेंट टोटल फोर करोड़ नाइन्टी लैक्स सिक्सटी थ्री थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव ऐड एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट टोटल टैक्स कम्स टू फाइव करोड़ टेन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स फिफ्टी है कमाओ ना मस्त बारह करोड़ कमाओ इतना जोर से चुपेगा ना बारह करोड़ कमाना तुमको जितना ये बारह करोड़ कमाना है ना उससे ज्यादा मुश्किल है बारह करोड़ कमाना मुश्किल नहीं है उससे ज्यादा मुश्किल है पांच करोड़ बचाना समझना रही बात उससे ज्यादा मुश्किल है ये करना कल कर का समझा सिंपल के बेटा ऑफ टैक्स चाहिए so, <laughs> बराबर होमवर्क लिखो सेवन पॉईंट वन होमवर्क लिखो सेवन पॉईंट वन पीजीबीपी नाईन करोड पीजीबीपी नाईन करोड लॉंग टर्म कॅपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व सिक्स करोड़ टोटल फिफ्टीन करोड़ मस्त है ना और कमाओ ज्यादा ये एक अलग दर्द है चलो बेटा अब लास्ट सिचुएशन पे आते हैं यहां तक के हर एक लाइन हर एक वर्ड हर एक एडजस्टमेंट समझ में आया अब एक लास्ट सिचुएशन पे आते हैं ठीक है लिखना मत पहले समझना पहले समझ लेना एवरीबॉडी आर यू रेडी इमेजिन अ सिचुएशन वेर इन माई पी जी बी पी इज वन पॉइंट करोड़ Whereas my long-term capital gain under section 112 is 60 lakh, now my total income would be <coughs> 2.40 crore. Everybody, can you tell me what problem I can face? a problem identify. Karo. चलिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज का रेट होगा 15 परसेंट अदर पे सरचार्ज का रेट कितना होगा रीड द लॉ प्रॉब्लम बताओ क्या आएगी ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द सरचार्ज इज फिफ्टीन परसेंट से यस बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड टू करोड़ एनहान सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल एवरीबाडी यस बट माई फ्रेंड्स वॉट अबाउट अदर इनकम माई टोटल इनकम एक्सीड टू करोड़ अदर इनकम पे आप सरचार्ज कितने परसेंट से मांगोगे मेरे से अगर आप ए हो अगर आप ए हो आप बोलोगे टोटल इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रही लॉ टोटल इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रही द सचार्ज रेट वुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आप बोलोगे एज एओ एज एओ एज एओ एज एओ आप बोलोगे बेटा इसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट दे और इसके ऊपर फिफ्टीन परसेंट दे आप तो यही बोलोगे बोलो हाँ अब ऐसा क्यों बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड टू करोड़ हा या ना बोलोगे कि नहीं बोलोगे अरे ब्रो एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन है तो इस पर तो पंद्रह ही ले रहा ना मैं इस पर तो पंद्रह ही ले रहा ना पर क्योंकि टोटल इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रहा है आप क्या बोलोगे मेरे को सचाज कितना दे अदर इनकम पे ट्वेंटी फाइव तो वही एक सीन आपके लिए रिक्रिएट करता हूँ जरा समझिए आप ही की इनकम है ये ठीक है इतने में वो आई ओके okay, सो so, या पी जीबीपी ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिफ्टीन परसेंट कम ऑन सी आई एम ए टेक्स मैन अगर मेरी अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम दो करोड़ के ऊपर होती अदर इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन अगर वो दो करोड़ के ऊपर होती तो ट्वेंटी फाइव परसेंट में देता योर <laughs> इसमें कोई झोंक नहीं था योर टोटल इनकम एक्सीड टू करोड़ टोटल इनकम एक्सीड टू करोड़ चार्ज विल बी एप्लीकेबल किसी से भी पूछ लो मैडम वो सही बात है पर मैं एनहानस चार्ज तब देता जब मेरी अदर इनकम दो करोड़ के ऊपर जाती आप समझ नहीं रही है ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये रोज रोज राइज नहीं होती ये इस साल राइज होती लो, अगर ये इनकम ना आती तो मैं कितना परसेंट सर दे रहा होता दैट मैटर मान के चलो ये इनकम आई नहीं ये इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करती अब बोलो मैं कितना सचात देता 15 परसेंट तो ये इनकम जस्ट बिकॉज ये इनकम आराइज हो गई मैं पंद्रह परसेंट में आने वाला पच्चीस परसेंट में चला गया कोई सेंस है इस बात का देखिए सेंस सेंसेंस की बात मुझसे मत कीजिए <laughs> की बातें नहीं करना योर टोटल इनकम एक टू करोड़

owing to this income, I am falling into a bracket which is generally not applicable to me. Agreed or disagreed? kuch dekho na can't help. Don't you think? ये बहुत ही exceptional situation है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं जहाँ पे आप उस situation में आके फंस गए हैं जो generally ऐसा नहीं होता अब इस केस में देखेंगे आप आपकी नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम मिला के दो करोड़ के ऊपर जा रही है क्या हो रहा है इसके पहले तक की कि हमने किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं देखा आप लास्ट के दो प्रॉब्लम देखिए लास्ट के दो प्रॉब्लम देखिए वेन इट कम्स टू प्रॉब्लम नंबर सिक्स अगर आप देखेंगे आपकी अदर इनकम ही दो करोड़ यू uh, नो you know, आपकी अदर इनकम ही उससे ऊपर थी लिमिट से ऊपर थी अगर आप लास्ट प्रॉब्लम भी चेक करेंगे सेवन करोड़ राइट right? आपकी अदर इनकम ही पांच करोड़ रुपए से ऊपर थी पर ये एक सिचुएशन ऐसी situation है, जहां पे आपकी नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन इनकम मिला के दो करोड़ के ऊपर जा रही है बराबर है ऐसी सिचुएशन में जनरली लॉ तो ये कहता है कि पीजीबीपी पे ट्वेंटी फाइव देना चाहिए और कैपिटल गेन पे फिफ्टीन देना चाहिए पर लॉ ने एक एक्सेप्शन भी क्रिएट किया लॉ ने बोला ये जन मुझ के अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा किसके लिए अससी के लिए अससी के लिए एक अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल अराइज होने वाला इनकम नहीं है यस और नो तो उन्होंने बोला यार ये यू नो अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा और इस अनड्यू हार्डशिप को समझते हुए उन्होंने लास्ट सिचुएशन क्रिएट करी उन्होंने क्या किया बेटा लास्ट सिचुएशन क्रिएट करी सिचुएशन नंबर सिक्स अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स टू करोड़ बट इज नॉट फॉलिंग इनकेस फाइव केस फोर और फाइव इधर भी पंद्रह हो जाएगा और इधर भी पंद्रह हो जाएगा जनरली यहां पच्चीस परसेंट आना चाहिए था या थर्टी सेवन परसेंट आना चाहिए था एज द केस में भी यस, yes, पर उन्होंने बोला कि अगर आपकी अदर इनकम प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम मिला के ये देखो यहाँ तक क्या आप एक्सक्लूडिंग वर्ड पढ़ रहे थे यहाँ आप इंक्लूडिंग वर्ड पढ़ रहे हैं समझ मारी बात तो ये अनड्यू हार्डशिप हो रहा था टैक्स पेयर के साथ उन्होंने अनड्यू हार्डशिप को हटा दिया और इसी बात को समझने के लिए धरती पे आप एग्जाम्पल नंबर एट सॉल्व करेंगे कुछ बच्चे थे वो मेरे को क्वेरी भेज रहे थे सर ये जो आप लिख रहे हैं क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या बेटा कुछ मेहनत खुद से करनी होती है उनमें लिखना भी एक है मैं हर जगह नहीं आ सकता और ये जो मैं तुमको लिखा रहा हूं ना ये मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है ये इस लिखा रहा हूं क्योंकि तुमको राइटिंग प्रैक्टिस है और तुमको एग्ज़ाम में ना जाकर के रीड नहीं करना जैसे अदर क्लासेस में चल रहा है तुमको वहां सॉल्व करना है और सॉल्विंग के लिए ना तुम्हारे हाथों को प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है एग्जाम्पल नंबर एट स्पेशल लास्ट केस ऑफ सरचार्ज हर बार की तरह एक मैं और एक तू आगे का गाना नहीं गाना पीजीबीपी वन करोड़ एटी लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्सटी लैक्स दोनों मिला के टू करोड़ फोर्टी लैक्स डोंट यू थिंक सबसे पहले हम लोग टैक्स निकालेंगे स्पेशल वाले को पहले बाजू कर दो सिक्सटी लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट इज इट ट्वेल लाख हाँ भी नहीं बोलते क्या इतना बुरा मैं मां हाँ वहाँ कुछ तो बोल दो मैं जिंदा हो अच्छा मुझे एक बात तो बताओ जिंदा हो या सरप्राइज्ड हो कि ये चल क्या रहा है जीवन में हाँ गजा कितना वन करोड़ एटी लैक्स एक तो आज मेरा पेन नहीं चल रहा अरे मतलब एप्पल पेन <laughs> वो नहीं चल रहा इसको वायर लगा के रखना पड़ रहा <laughs> गंदे लोग हाँ बोलो अप टू टेन लाख कितना आने वाला है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस वन करोड़ सेवेंटी लैख्स पे टैक्स रेट थर्टी परसेंट इज इट फिफ्टी वन लैख टोटल टैक्स फिफ्टी टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सभी लोग क्या पहले टैक्स निकाल पाए प्लीज बताइए टोटल टैक्स ए प्लस बी कितना हुआ बेटा सिक्सटी फोर लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड हाँ तो डायरेक्ट एच ऐड कर देते हैं ना सरचार्ज अब बताइए अलग अलग सरचार्ज लगेगा या इन टोटल फिफ्टीन परसेंट अगर यहां पे पीजीबीपी इनकम दो करोड़ अस्सी लाख होती ना रादर देन वन करोड़ एटी लाख तो पीजीबीपी पे ट्वेंटी फाइव होता रहता और इस पे फिफ्टीन होता रहता क्योंकि ये दोनों मिला के दो करोड़ या पांच करोड़ के केस से बाहर जाएगी तो हमारे को पंद्रह परसेंट लगाना है एज द केस मे बी इन 15% पंद्रह परसेंट ये कितना आ रहा है बेटा नाइन सिक्स वन एट सेवन फाइव तो आपका टोटल बन रहा है सेवन थ्री सेवन फोर थ्री सेवन फाइव एड एच ई सी अट दफ टू लैख नाइनटी फोर थाउजेंड नाइन सेवेंटी फाइव सेवन सिक्स सिक्स नाइन थ्री फाइव जीरो इधर आईलाइनर लगाओ सरचार्ज के लिए टोटल इनकम कंसिडर होती है नॉर्मल प्लस स्पेशल हाँ जी टोटल इनकम कंसिडर होती है सेपरेट नहीं मैं वही बोला टैक्स रेट सेपरेट कैलकुलेट होता है पर सरचार्ज के लिए टोटल इनकम कंप्यूट होती है नॉर्मल प्लस स्पेशल टैक्स रेट अलग अलग है नॉर्मल प्लस स्पेशल सरचार्ज के लिए दोनों को एक साथ काउंट किया जाता है एवरीबॉडी ये समझ में आया सर टीचर्स टैक्स की चोरी पहले टैक्स निकालना तो समझ लो सब आएगा सबका बदला लेगा तेरा फ़ैज़ल रुक सचार्ज वापस से बताऊं देखो बेटे आपकी दोनों इनकम मिला के दो करोड़ के ऊपर जा रही है ऐसे केस में सचार्ज का रेट क्या बोला है पंद्रह परसेंट अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट पॉइंट सचार्ज का पढ़ो दोनों इनकम मिला के दो करोड़ के ऊपर आपने अगर हमारा पूरा डिस्कशन ध्यान दिया होगा अगर ये अदर इनकम दो करोड़ के ऊपर होती तो यहां पे 25 होता और परसेंट होता बराबर है लॉजिकली तो आपकी क्योंकि टोटल इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रही है आपकी अदर इनकम पे 25 होना चाहिए और कैपिटल गेन पे 15 होना चाहिए पर सरकार ने बोला क्योंकि स्पेशल इनकम हर रोज राइज नहीं होती इसीलिए हम आपको बेनिफिट देंगे अंड्यू हार्डशिप नहीं करेंगे इसको भी पंद्रह कर देंगे लेकिन यह सिचुएशन तभी एप्लीकेबल है जब आपकी नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम मिला के दो या पांच करोड़ के ऊपर जा रही है समझ में आ रही है बात मजे ही मजे एग्जाम्पल नंबर एट पॉइंट एग्जाम्पल नंबर एट पॉइंट टू पीजीबीपी आ गया वन करोड़ नाइन्टी लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आ गया शेवंती लैक्स आपकी टोटल इनकम बन गई बोलो कितना करोड़ सिक्सटी लैक्स कर लेना घर पे सरचार्ज पंद्रह के हिसाब से निकाल लेना यस yes. प्रिंस कह रहा है सर केस नंबर चार में टोटल इनकम की लिमिट ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम दिया है तो लास्ट केस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी आर्ची आर्ची बेटा वहां पे सरचार्ज का केस ही नहीं है कि एग्जांपल नंबर फोर में सरचार्ज तब लगता है व्हेन इनकम एक्सीड फिफ्टी लैक्स एग्जाम्पल नंबर फोर में पचास लाख से ऊपर ही नहीं जा रहा आप कहाँ ये केस लगा रही है सरचार्ज का सरचार्ज लगने के लिए पहले इनकम तो फिफ्टी लाख से ऊपर होनी चाहिए सर सरचार्ज के पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर सिक्स में डिफरेंस क्या है वाह बेटे एक बार आओ है क्या पूछा आपने पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर सिक्स में डिफरेंस क्या है सर पहले केस में आपकी टोटल इनकम ही कितनी है एक करोड़ से दो करोड़ के ब्रैकेट में और सिक्स वाले सिचुएशन में हम दो करोड़ से ऊपर पांच करोड़ से ऊपर वाले केस पढ़ रहे ये सो नो आप सिर्फ पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट को मत देखो ये बाजू जो लिखा है उसको भी पढ़ो आपसे बोल रहे इधर भी पंद्रह इधर भी पंद्रह इधर भी पंद्रह इधर भी पंद्रह डिफरेंस क्या अरे यह है अरे डिफरेंस ये हम एक करोड़ से दो करोड़ की बात कर रहे हैं और सिक्स में हम दो करोड़ पांच करोड़ ऊपर के एक एस की बात कर रहे हैं समझ में आया क्या हाँ और सवाल पूछो सर इसमें अगर दोनों इनकम मिला के नहीं होता तो इंडिविजुअली अलग अलग रेट कैलकुलेट हो रहा होगा अंडरस्टैंड वापस से सुनो एक सिचुएशन में बताता हूँ देखना और आप बताना पीजीबीपी वन करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक का सिक्सटी लैक्स हुआ टोटल 2.40 करोड़ बराबर अनादर सिचुएशन पीजीबीपी 2.30 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख सॉरी 10 लाख ये हुआ 2.40 करोड़, करोड़, करोड़ ये कौन से नंबर में फॉलो होगा ये कौन से नंबर में फॉलो होगा ये जाएगा सरचार्ज के पॉइंट नंबर बोलो बोलो ट्राई करो सिक्स 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 आप जीते क्योंकि यहां पे अदर इनकम ही ऑलरेडी कितने से ऊपर है अगर आपकी टोटल इनकम वर्ड पढ़ सरचार्ज में जा वर्ड पढ़ और जो वर्ड पढ़ा रहा हूं वो सुन अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन दो करोड़ के ऊपर है समझ में आ रहा है क्या अगर आपकी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंट इनकम दो करोड़ के ऊपर है तो आपकी अदर इनकम पे सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट और कैपिटल गेन वैसी इनकम पे सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट बराबर यह है केस नंबर फोर अब आओ सिचुएशन नंबर वन पे है टोटल टू पॉइंट फोर्टी करोड़ पर अब किस में जा रहे हैं हम पॉइंट नंबर सिक्स अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 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 कैपिटल गेन पहले वाले में क्या लिखा था फोर्थ में एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन इसमें क्या लिखा है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन दो करोड़ के ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में पूरी इनकम पे सरचार्ज रेट कितना लगेगा पंद्रह अब क्लियर हुआ नहीं तुम लिखो वो जो ऊपर का लाइन खाली है ना मार्जिन वहां पे सेम एग्जाम्पल बनाओ मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है कहां पे बनाओ ऊपर ऊपर का का पेज मार्जिन का है वो लाल वाली लाइन के वहां बना डालो या सरचार्ज के नीचे जगह खाली है वहां बना डालो सरचार्ज के नीचे जगह खाली है वहां बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता अब क्लियर है बेटा जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है ऑफलाइन कनेक्टेड है सबको क्लियर है पक्की बात सर ये कितने मार्क को आ सकता है एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर वन बेसिक प्लस रेसिडेंशियल मिला कर रे कितने परसेंट था वो तुम्हारे पहले पद पे लिखा है रजिस्टर के पहले पेज पे। चैप्टर नंबर वन प्लस चैप्टर नंबर टू मिला करके टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सिलेबस फिफ्टी इंटू टेन परसेंट हो गया पीजीबीपी कितना है बच्चों सवाल सुनो भाई का सवाल लेते हैं पीजीबीपी 2.50 करोड़ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन करोड़ प्लीज़ बताइए हम कौन से पॉइंट में जाएंगे पक्का फोर में जाएगा यही सही जवाब है अगर में ये इनकम एक्सक्लूड करके क्या हम दो करोड़ या पांच करोड़ के ऊपर है अगर दो करोड़ के ऊपर है तो पच्चीस पांच करोड़ के ऊपर है तो सदतीस अब यही केस तू बता 1.5 करोड़ और 1 करोड़ टोटल 2.5 करोड़ अब किस केस में चले गए हम यही कंसेप्ट है सिक्स में चले गए यही कंसेप्ट है आइडेंटिफाइड क्लियरली सॉर्टेड है ब्रो चलो चार्ट पे वापस आओ हाँ जी, दोनों का हाँ आ रहा है अपन उस पर हाँ जी भाई जी क्यों ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए जिसके अंदर में ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील किया जाए बेटा पीजीबीपी ध्यान तो सुनो पीजीबीपी आपका थ्री करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व सिक्सटी लैख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए सिक्सटी लैख इन टोटल 4.20 करोड़ आपका टोटल इनकम पहले मैं रुक के यहां बैठे हर बच्चे से पूछना चाहूंगा हम सरचार्ज के कौन से पॉइंट पे हैं फिफ्थ सेकेंड पक्का है आप आप जीते अब सोचो इसको कैसे निकालेंगे अब सोचते हैं इसको कैसे निकालेंगे एक तरीका जो तो हमारा फॉर्मेट है वो एक आसान फॉर्मेट और है जो आपको दे देता हूँ एक आसान फॉर्मेट और है जो आपको दे देता हूँ प्रेजेंटेशन बस थोड़ा सा एनहांस होगा आप पुराने तरीके से भी निकालेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है डजेंट मैटर ये हो गया आपकी टोटल इनकम एवरीबडी अब देखिए फॉर्मेट यहाँ पे आप इससे रिलेटेड टैक्स निकाल दीजिए फिर इसी के आगे एक और कॉलम बनाना इसका सरचार्ज निकाल दीजिए टोटल टोटल के बाद एच इसके बाद में टोटल टैक्स थोड़ा सा क्लीन फॉर्मेट रहेगा एक और तरीका है बस सेम चीज निकालने का अब यहाँ पे आपको नहीं लगता हम लोग को सच्चा सेम रखना पड़ेगा या अलग अलग करना पड़ेगा पक्की बात चलो थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कैलकुलेटर पे 111 एक ए का टैक्स निकालिए उूट मच हाउ मच बेटा कैसे आया सिक्सटी लैक इन टू फिफ्टीन परसेंट एवरीबॉडी धीरे धीरे चलते जाओ मेरे साथ धीरे धीरे आराम से चलते जाओ जिसका हो गया लॉन्ग टर्म पे निकालो कोई जल्दी नहीं है आराम से लिखो बिल्कुल स्लो डने ब्रो चलो थ्री करोड़ पे टैक्स निकालो सीधा कैलकुलेटर पे निकालो फट से इज इट एटी एट लैक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको कैलकुलेटर पर अभी नहीं समझा मेरे साथ पकड़ कैलकुलेटर पे तीन के आगे सात जीरो लगा माइनस कर इसमें से दस लाख क्योंकि तेरे दिमाग में दस लाख तक का टैक्स पता है इंटू स्ट्रेट थर्टी परसेंट कर और बाद में ऐड कर दे एक लाख बारह हजार पांच सौ दस लाख तक का टैक्स एटी एट लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवरीबॉडी ये तेरा टैक्स निकल गया अब मैं मेरे प्यारे बच्चे से पूछना चाहूंगा वॉट इज द सरचार्ज लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिफ्टीन परसेंट तो क्या मैं कह सकता हूँ इधर फिफ्टीन परसेंट होगा इधर फिफ्टीन परसेंट होगा वेर एज इधर ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा डू यू अग्री यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट नाइन लैख का फिफ्टीन परसेंट इज इट वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेल्व लैख का फिफ्टीन परसेंट इज इट वन लैख एटी थाउजेंड एटी एट ट्वेल्व फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी फाइव परसेंट इज इट टू टू जीरो थ्री वन टू फाइव इधर देखो टोटल टैक्स आ रहा है वन करोड़ टेन लाख फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव इधर आ रहा है थर्टीन लाख एटी थाउजेंड एंड इधर आ रहा है टेन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड आप अपनी स्पीड से चलो कोई जरूरत नहीं किसी को मैच करने की मेक श्योर sure आपका सम टोटल वन करोड़ थर्टी फोर लैख थर्टी थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव आ जाए एनी स्टूडेंट कौन सा फिगर किधर से आया और कैसे आया डोंट यू थिंक एच ई सी इज एट द रेट ऑफ फोर परसेंट इज इट फाइव लैक थर्टी सेवन थाउजेंड टू टू फाइव वन करोड़ थर्टी नाइन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी ऐसा ही सवाल था बच्चे आपका यही सवाल था बेटा ऐसे सवाल करेंगे सर, एक बार फिर से समझिए सरचार्ज कैसे लिया पहले तो प्रॉब्लम को देखिए प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे मेरी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम इज एक्सीडिंग टू करोड़ बट माय टोटल इनकम इज विद इन द ब्रैकेट ऑफ फाइव करोड़ बराबर है तो मेरी अदर इनकम पे सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट लगना चाहिए दिस इज फॉलिंग इन पॉइंट नंबर फोर और मेरे कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज कितना लगना चाहिए बेटा 15 परसेंट तो हमने सबसे पहले टैक्स निकाला टैक्स तो हम कल से लेके आज तक निकाल ही रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता इस पर प्रॉब्लम होगा सरचार्ज रेट हमने हमारी अदर इनकम ट्वेंटी फाइव लिया एंड कैपिटल गेंस पे कितना लिया बिकॉज द सिचुएशन फॉलिंग अंडर पॉइंट नंबर इस पे टोटल टैक्स आया टैक्स प्लस सरचार्ज इस पे चार परसेंट का एच लगाया और सीधा टोटल टैक्स निकाल लिया आहो अ शॉर्ट ब्रेक टाइम हो गया टाइम पता चला क्या बेटा पंद्रह मिनट आ गया उसमें भी चार लाख पे बीस परसेंट एटी थाउजेंड फिर आया लॉटरी कितना है वो सिक्स लाख सिक्स लाख का सिक्स लाख का थर्टी परसेंट बेटा आया एक लाख अस्सी हज़ार देन टू लाख इंटू थर्टी परसेंट या आया सिक्सटी थाउजेंड अब बैलेंस कितना बचा सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख में से पहले टेन लाख पे एक लाख बारह हज़ार पाँच सौ बच्चे हुए दस लाख के ऊपर की इनकम पे तीस परसेंट होता है न राजा ऐसा क्या कर रहा तू

अदर इनकम 2.3 पॉइंट तुझ बता किधर आएगा रीड कर तू यही यही तो गलती कर रहा है यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड लिखा है बेटा सरचार्ज के लिए तेरे को टोटल इनकम देखना है सरचार्ज के रेट के लिए अलग अलग देखना है अब बता ये किधर फॉलो होगा एक्सक्लूडिंग वाले में बोला बेटा अभी इधर सुनो सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखना है हाँ सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखना है सरचार्ज रेट अलग अलग है समझ में इसका भी वही सवाल था सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखना है टोटल इनकम कितना है दो करोड़ पर सरचार्ज के रेट के लिए अलग अलग देखना है पहले टोटल इनकम देखना है और उसके बाद उस पर रेट क्या लगेगा वो देखना है हम्म हां 45 लाख तू बता पढ़ बस बराबर है लास्ट पॉइंट अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा सरचार्ज के लिए क्या देखना है टोटल इनकम अब क्योंकि तेरा टोटल इनकम मिला के दो करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है सरचार्ज रेट कितना होगा 15 एंड 15 यहाँ हम टोटल इनकम लिख रहे हैं बेटा समझ में आया 45 पे भी 15 लगाएगा तू ऐसा नहीं कर सकता 45 पे क्योंकि 50 से नीचे तो जीरो, जीरो हम यहाँ टोटल इनकम देख रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहे मेरी अदर इनकम कितनी पहले ये देख फिर ये देख, देख। क्या चीज़ जी चलो लव वेलकम आफ्टर द ब्रेक अब तक हम लोगों ने क्या किया है भाई जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमने सर कौन से अच्छे अच्छे काम किए इसमें आपने सर देखिये टैक्स को हमने कहां तक के पढ़ा है अब तक एक बार इस चार्ट में आइए है चार्ट में देखिए सबसे पहले आपको ओल्ड स्कीम दिख रहा है बरे रेट फॉर रेसिडेंट बिलो 60 वाला काम कर लिया और हमने टैक्स कैलकुलेशन में छह चीजें लगने वाली को पूरा यूज किया इन छह चीजों में पहला था एच दूसरा था राउंड ऑफ तीसरा था रिबेट चौथा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पांचवा था स्पेशल एडजस्टमेंट और छठवा था सरचार्ज ऐसे छह चीजों को जब मिक्स करेंगे तब जाके आपका क्या बनता टैक्स आप नए नए आए थे कौले कौले आए थे और मैंने आपसे कहा था कि भैया टैक्स जब भी हम कहते हैं टैक्स का मतलब होता है टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एच अब शायद आपको उसका लिटरल मीनिंग समझ रहा होगा वो क्या है एंड बिलीव मी अभी मुझे कुछ बच्चे मिले जो शायद कहीं और थे उनका एग्रीकल्चर भी चालू हो गया नंबर ऑफ प्रॉब्लम ये वो कुछ 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 नहीं बोला उस बच्चे ने अगर, अगर अपना बुक देख लिया ना घायल ही चौथा हो एंड देर इज अ कॉमन कि भैया बेसिक एग्जामिशन लिमिट सात लाख हो चुका है नहीं वो न्यू स्कीम में है है वो न्यू स्कीम में है। अब मुझे एक बात बताओ आपको यही नहीं मालूम कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना है न्यू स्कीम में कितना और ओल्ड स्कीम में कितना है कैसे एग्जाम पास होंगे साला अपन इधर प्रॉब्लम्स कर करके नहीं थक रहे और आई आई क्लियरली डोंट अंडरस्टैंड बच्चों ने रेगुलर बैच लगाया कि फास्ट ट्रैक सीरियसली वन नंबर ऑफ प्रॉब्लम अच्छा तुम बताओ हम जब भी जॉल्व कर रहे एक नया डिफिकल्टी एक नया लेवल अराइज हो रहा विथ एवरी प्रॉब्लम डू यू अग्री विथ एवरी प्रॉब्लम देर इज अ न्यू लेवल हाउ कैन दिस बी कंप्लीटेड इवन रिस्पेक्ट गजब भाई एक बात क्लियरली अंडरस्टैंड करना तुम कुछ भी करो अपन ने अपना प्रैक्टिस करते हुए जाना अपन ने अपना डिटेल्ड के अंदर ही जाना कुछ ये हरकतों में नहीं पड़ने का है अपने को बहुत डिटेल्ड के अंदर में जाना और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है क्योंकि इतने वेरिएशन है टैक्स के अंदर में कि आपको हर प्रॉब्लम में एक नया डिफिकल्टी अराइज होगा इतने वेरिएशन पॉसिबल है इसे ऐसे ही आपके दिन का सबसे ज़्यादा टाइम इस सब्जेक्ट को नहीं मिला हुआ है इवन दो मार्क्स के अंदर में ये सबसे कम है दिन भर में समझ में आ रहा है बट वेरिएशन इतने पॉसिबल है कि आप ये इस तरह से हम उसको उड़ा नहीं सब्जेक्ट सब्जेक्ट को उड़ाना नहीं है पढ़ना है क्योंकि इसके बाद अपने को उसको फाइनल में भी पढ़ने का है उसके बाद जीवन भर अप्लाई करने का है तो ये तो मेरे हिसाब से मतलब ब्लेंडर है यार लिटरल ब्लेंडर है बट ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है आ जाओ अब हम आते हैं इधर नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी से आ जाओ सुनो ना इस पार्ट पे आने से पहले मेरे को एक बहुत जोर से क्वेश्चन आया है एक बहुत जोर से क्वेश्चन करूं क्या कई नालायकों के मन में डाउट जरूर होगा अनादर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए सिक्स करोड़ वन लाख और आपकी अदर इनकम नाइन लाख, टोटल सिक्स करोड़ टेन लैक्स अब देखो ये कौन सा सिचुएशन है क्या वेरिएशन किया है मैंने कोई समझा सकता है क्या किसी नालायक के मन में था ये कि अगर वो दोनों मिला के दो करोड़ के ऊपर वाला तो केस हमने देख लिया था पांच करोड़ के ऊपर रहे तो क्या किसी नालायक के मन में ये सवाल जरूर होना चाहिए अनादर वेरिएशन अनादर क्वेश्चन अब आप मुझे समझा सकते हैं कई बच्चे क्या बेसिक गलती कर रहे हैं मैं फिर से बताता हूँ कुछ बच्चों ने आके मेरे को क्वेश्चन पूछा कुछ बच्चे क्या कह रहे होंगे मेरे को सर अदर इनकम पे तो सरचार्ज लगना ही नहीं चाहिए वो पचास लाख से कम है एक बात फिर से समझिए प्लीज सरचार्ज टेबल को जरा गौर से देखिए सरचार्ज टेबल को प्लीज गौर से देखिए सरचार्ज टोटल इनकम पे लगता है सरचार्ज के रेट इनकम वाइज अलग अलग है फिर से सुनिए सरचार्ज टोटल इनकम पे लगता है टोटल इनकम करोड़ टेन विल बी यस रेट के लिए आपको टेबल देखना है आप बेसिक गलती कर रहे हो पहले इनकम देख रहे हो बाद में टोटल देख, देख ही नहीं रेट क्या टोटल क्या इनकम पांच करोड़ के ऊपर है यस तो, तो लगेगा अब मन में क्वेश्चन क्या था अगर मेरी अदर इनकम पांच करोड़ के ऊपर है तो सचाज कितना थर्टी सेवन और कैपिटल के डिविडेंट इनकम पे सच्चाज कितना 15 परसेंट बराबर है पर इस प्रॉब्लम में वो सिचुएशन है या लास्ट सिचुएशन है लास्ट सिचुएशन मेरी अदर इनकम जो है ये टू करोड़ या फाइव करोड़ के ऊपर है ही नहीं मेरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पांच करोड़ के ऊपर जा रही है सचार्ज और टैक्स कैसे निकलेगा सचार्ज का रेट क्या होना चाहिए फिफ्टीन अब टैक्स निकालो पहले अगर मैं टैक्स की बात करूं टेल मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड ट्वेल्व ए कैन आई से सिक्स करोड़ इंटू टेन परसेंट सर सिक्स करोड़ वन लाख अच्छा एक सौ बारह ए है बाबू बच्चा इज इट सिक्सटी लैक्स बींग टैक्स एकदम स्लो जा रहा हूं भाई साहब मैं ये समझा या नहीं समझा सर ये सिक्स करोड़ वन लैख था आपने सिक्स क्यों लिया एक लाख तक के एग्जाम टेम एक सौ बारह ए की बात कर रहे हैं जो मेरा अदर इनकम है अदर इनकम पे तो मैं सिलेब्रिटी लगाऊंगा ब्रो उस हिसाब से बता नाइन लैख पे कितना कितना आ रहा है जरा निकाल के दिखाओ दिखाओज इट सिक्सटी लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या सरचार्ज लगेगा और अगर लगेगा तो कितने परसेंट सरचार्ज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट फाइनल आंसर इज सेवेंटी टू एटी सिक्स जिन के मन में ये भी सवाल था क्या ये भी क्लियर हुआ बच्चा कि अगर यही सिचुएशन दो करोड़ के जगह पांच करोड़ के ऊपर की हो गई तो क्या होगा तो भी सेम ही रहने वाला है बिकॉज यू आर नॉट फॉलिंग इन फोर और फाइव वर्ड तो वही लिखा है लास्ट में यू आर नॉट फॉलिंग इन फोर और फाइव कहां लिखा है सच आज का लास्ट लाइन पढ़ बच्चे आप मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पूछ रहे हैं मेरे से जो कंसेप्ट आना बाकी है आपका क्वेश्चन मैंने लेके रख दिया हम वहाँ डिस्कस करेंगे लास्ट सिचुएशन देखो बेटा क्या है लास्ट सिचुएशन अगर मेरी अदर इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल डिविडेंड इनकम मिला के दो करोड़ के ऊपर जा रही है बट इट इज नॉट फॉलिंग इन सिचुएशन नंबर फोर और सिचुएशन नंबर फाइव ये क्लियर है बराबर है चलो बेटा एक रजत करके बच्चा है वो सवाल पूछ रहा है उसका सवाल है अदर इनकम सर फोर करोड़ है ठीक है और आ, मान करके चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये टू करोड़ होता है तो सरचार्ज रेट कितना लगेगा आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दे आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दे इन विथ सिचुएशन आई एम फॉलोइंग इन विथ सिचुएशन आई एम फॉलोइंग पक्की बात पक्की बात क्या मैं कह सकता हूं ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट चलिए अब आते हैं हम लोग इधर इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन चार्ट पे वापस आओ इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अच्छा सुना ही नहीं आ रहा लेक्चर के बाद आप हूं हाँ जी आ जाओ अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 इयर्स और अबाव अप टू 80 इयर्स कोई रेसिडेंट है इंडिविजुअल है एक मिनट यहां पे एक वर्ड जो आपको फोकस करना है वो है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो है वो इेस्पेक्टिव ऑफ एज फर्स्ट स्लैब में ही कवर होगा तो इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबाउ टू 80 इयर्स क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है हर जगह अप टू थ्री लाख नील थ्री लाख टू फाइव लाख फाइव परसेंट शॉर्टकट इज टेन थाउजेंड क्या आप मुझे समझा सकते हैं शॉर्टकट कैसे आया होगा चेक करो कैलकुलेटर पे पांच लाख पांच लाख में से पहले तीन लाख तक के तो टैक्स नहीं होगा जो बैलेंस है उसके ऊपर पाँच परसेंट शॉर्टकट कैसे आया बेटा टेन थाउजेंड तो सीनियर सिटीजन के लिए अप टू फाइव लैख शॉर्टकट इज टेन थाउजेंड फाइव लैखेंट बेटा कितना थर्टी परसेंट lakh, 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 तो सिर्फ इनको एडिशनल बेनिफिट दिया है बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंदर में बाकी कुछ नहीं आर यू गेटिंग द पॉइंट सिर्फ इनको एडिशनल बेनिफिट दिया है बाकी कुछ नहीं टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नीचे की छओ नोट जो है वो कॉमन है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नीचे की छो नोट जो है ये क्या है बेटा कॉमन आइए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते एग्जांपल नंबर नाइन आज आप सभी को एक होमवर्क दूंगा जबरदस्त दिमाग हिलाने वाला होमवर्क होगा मतलब रियल पेशेंस टेस्टिंग होगा तुम्हारा सिर्फ सॉल्व करके आना है सिर्फ दिमाग लगा के आना जिस पर डिस्कशन आज नहीं कल करेंगे सिर्फ दिमाग लगा के आना चलिए एग्जाम्पल नंबर नाइन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल रेसिडेंट स्वीट सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव स्वीट नहीं होता क्या टोटल इनकम टोटल इनकम सिक्सटीन लैक्स चलो टोटल इनकम सिक्सटीन लैख निकालो शॉर्टकट आपके पास है अगर पहला दस हजार है दूसरा बैकेट तो एक लाख है ही तो पहले दस लाख तक के शॉर्टकट कितना आ जाएगा एक लाख दस हजार दैट इज वन लाख टेन थाउजेंड इनकम अप टू टेन लाख चेक कर ले बेटा वन लाख टेन थाउजेंड आ रहा है क्या कैसे पहले तीन लाख तक के नील नेक्स्ट टू लाख पे फाइव परसेंट दैट इज टेन थाउजेंड नेक्स्ट फाइव लाख पे ट्वेंटी परसेंट दैट वन लाख तो एक लाख दस हजार आएगा अप अ टोटल इनकम ऑफ टेन लाख इज इट एटीन लैक सॉरी वन लैख एटीन थाउजेंड नाउ माई टोटल टैक्स वुड कम टू इज इट टू लैख नाइन्टी थाउजेंड ब्रो क्या रिबेट मिलेगा पर एचईसी तो आएगा ना ब्रो एट द रेट ऑफ फोर परसेंट जीरो वन सिक्स हंड्रेड टोटल टैक्स स्लैब रेट के अलावा कुछ बदला क्या बस समझ में आई बात स्लैब रेट के अलावा कुछ नहीं बदल रहा इन पे भी सर सरचार्ज वाले ये वो सब सब सबसे सब में मैंने क्या कहा नीचे के छो नोट कॉमन सिर्फ स्लैब रेट बदल रहा बाकी कुछ नहीं एवरीबॉडी क्लियर है वापस से आया मैं चार्ट पे अब देखिए एक बहुत बड़ा इशू था जिसपे सरकार ने एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया एक बहुत बड़ा इशू था जिसपे सरकार ने एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया ध्यान से सुनना। ये सर्कुलर इतना अजीबोगरीब गरीब है कि शायद आपको हंसी भी आ जाए एक व्यक्ति था जिसका बर्थडे आ रहा था फर्स्ट अप्रैल के दिन ठीक है ध्यान से समझना एक व्यक्ति था जिसका बर्थडे आता था फर्स्ट अप्रैल के दिन अब फर्स्ट अप्रैल के दिन वो बन जाता है सीनियर सिटीजन ऑन फर्स्ट बन जाता है सीनियर सिटीजन अब प्रीवियस ईयर तक के वो क्या था नॉन सीनियर पर असेसमेंट ईयर में वो क्या बन गया सीनियर प्रीवियस ईयर में क्या था वो नॉन सीनियर जैसे ही फर्स्ट अप्रैल लगा वो क्या बन गया सीनियर सिटीजन अब वो ऐसे ही कहता है मुझे तीन लाख का बेनिफिट दो क्यों नहीं मिलेगा सर इनकम तो प्रीवियस ईयर की थी और प्रीवियस ईयर में वो कौन था पर टैक्स तो हम असेसमेंट ईयर में पे करते वो कौन है कराइट का है आपको इशू समझ में आया पूरा वट इज द इशू भाई हर साल उसका बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है हर साल उसका बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है इफ द बर्थडे फॉल्स ऑन फर्स्ट सेज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर आई वॉज अ नॉन सीनियर सिटीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर आई एम अ सीनियर सिटीजन सो आई एम एलिजिबल टू टेक हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऑफ थ्री लैख एक मिनट असा झगड़ा क्यों कर रहा पचास हजार ज्यादा का बेनिफिट मिल रहा और इनकम टैक्स में तो अब वो बिल्कुल झगड़ा करेगा हर चीज पे चुपता है ना जब कोई हाथों से जाता है तो चुपता है चाहे वो टैक्स क्यों ना हो तो चुपेगा तो सर अब चुप तो रहा ही है। अब वो बोलता है मेरे को हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट दो डिपार्टमेंट कहता है पर तुम तो प्रीवियस ईयर में नॉन सीनियर थे Assessi कहता है पर असेसमेंट ईयर में तो सीनियर हूं अरे पर इनकम तो हम प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं पर टैक्स तो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं ना अरे पर इकमीमेंट इन असेसमेंट ईयर आई नो टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर यू हायर मैटर कोर्ट में गया राजस्थान मैटर कहां गया कोर्ट में कोर्ट के सामने का डिस्कशन आपका दिमाग हिला देगा सर माय लॉर्ड प्रीवियस ईयर में यह व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन था असेसमेंट ईयर में ये सीनियर सिटीजन था सो so, हमारा टैक्स लॉ ऐसा कहता है कि इसको लोअर बेसिक एग्जम्शन बेनिफिट मिलना चाहिए ये एकदम सही कह रहे हैं सर पर मैं एज अ टैक्स पेयर आपसे बात कहना चाहता हूं अगर मेरा बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है टेक्निकली मेरा बर्थडे मनता कब है सपोज विजय का बर्थडे 28 फरवरी को आ रहा है तो विजय के दोस्त आपको क्या लगता है कितने बजे ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सत्ताईस की रात तो सर टेक्निकली मेरा बर्थडे तो थर्टी फर्स्ट को सेलिब्रेट हो रहा है आई हैव अचीव्ड माई एज ऑन द लास्ट थर्टी फर्स्ट इट रात में सब आए थे पुंगी ये वो लेके केक काटने के लिए मलने के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ कोर्ट सेड इसीलिए 12 बजे का भी रूल बना कोर्ट हैज सेड, इफ अच्छा ये सर्कुलर उनके लिए नहीं नहीं है जो सेकेंड अप्रैल को फॉर्न हो रहे <laughs> क्योंकि तब तो इशू ही खत्म है आप समझ रहे हैं केस ही उनके लिए जिनका बर्थडे एक अप्रैल को फॉल हो रहा अब कोर्ट ने कहा यू बींग ऑन फर्स्ट अप्रैल बिकेम सीनियर सिटीजन बट यू हैव अचीव्ड योर बर्थडे लास्ट डेट ट्वेल्व पी एम इट सेल्फ एंड यू आर एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जाम हाँ उन्होंने कहा अगर आप फर्स्ट अप्रिल को सीनियर बन रहे हैं, तो टेक्निकली आपने पहले रात थर्टी फर्स्ट को ही अपना उस एज को अचीव कर लिया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बर्थडे मनाया जाता है वो तो रात बारह बजे मनाया जाता है जब यह पूरा ट्रेंड यही है तो लॉ भी इस तरीके से ही बना उन्होंने <laughs> कहा इफ यू आर फॉलोइंग ऑन फर्स्ट अप्रैल टेक्निकली यू हैव अचीव योर बर्थडे ऑन थर्टी फर्स्ट इट्सल्फ और क्योंकि तुमने अपना बर्थ ईयर थर्टी फर्स्ट को ही कंप्लीट कर लिया यू आर एलिजिबल फॉर अ हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट अब ये लॉ है किसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अप्रैल वालों के लिए क्योंकि सेकेंड अप्रैल वालों के लिए तो ऑब्वियस है कि आप अगले साल बनोगे फर्स्ट अप्रैल वाले का इशू क्या था मैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में ये गेम खेल रहा हूं तब जाके देखो ये सर्कुलर निकला क्या निकला बेटा सर्कुलर इधर आइए सीबीडीटी टी प्रभु दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस

पर का है क्यों क्योंकि एक आदमी ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया था सर तो हमको ये कैसे पूछा जा सकता है? क्या बन रहा है ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इट सेल्फ एस पर जजमेंट प्रबुदेल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान और, और इसीलिए वो एलिजिबल है हायर बेसिक एक्जाम लिमिट के लिए आर यू गेटिंग द पॉइंट आज तक कभी पूछा नहीं एग्जाम में आएगा नहीं सर तो पढ़ा है कि जिम्मेदारी तीसरा स्लैब इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव इनको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन इस लिमिट में आने के लिए तीन कंडीशन बड़ी जरूरी है एक आप जिंदा होने चाहिए 80 और अबव की बात कर रहे हो दूसरा इनकम भी आनी चाहिए तो आप इस स्लैब में आएंगे एटी और अबाउ सर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अप्रैल को 80 अचीव कर रहा होगा तो हायर बेसिक एग्जामिशन क्लियर है अपटू फाइव लैख कैसा बेटा अपटू फाइव लैक नील फाइव लैक टू टेन लैख कितना बेटा ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउट टेन लैख कितना बेटा नीचे के छो नोट कॉमन नीचे के छो नोट कॉमन विषय खत्म नो ये था टैक्स किस किस के लिए इंडिविजुअल एच यू एफ एपी आई एजेपी के लिए पर हमने पर्सन की डेफिनेशन में कितने लोग पढ़े थे जरा बताओ इंडिविजुअल एच यू एफ इन दो का टैक्स रेट तो हमने पढ़ लिया तीसरा क्या था फर्म कंपनी यानी अब तक टैक्स रेट खत्म नहीं हुए ये तो सिर्फ इंडिविजुअल के थे एच यू एफ के थे एओपी बी ओ आई के थे अभी तो कंपनी के टैक्स रेट पढ़ना है फॉर्म के टैक्स रेट पढ़ना है लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट पढ़ना है और याद रखिए हम सब सिर्फ ओल्ड सिलेबस में हैं दैट इज ओल्ड टैक्स रेट में है अभी तो न्यू हमने चालू ही नहीं किया न्यू मैंने अब तक चालू ही नहीं किया अब तक तो सिर्फ ओल्ड ही चल रहा है बेटा आओ सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कोर्स हां अभी पता तुम्हारी हालत कैसी है <laughs> बाजू तुम जाते हो खाना खाने के लिए वहां पे फाउंडेशन का निब्बा आते हैं भाई लो क्या भारी है ना यार वाइड ना एक नंबर भाई भाई मैथ्स तो एक नंबर मजा आ रहा और तुम वहां पे क्या कर रहे होंगे फाउंडेशन <laughs> वाला भाई बहुत सिलेबस है यार याद है मैंने आपको पहले दिन क्या कहा था फाउंडेशन इत्तू सा है और तुमको ये समझ में आ रहा है किता है ये बहुत बड़ा है चलो कोई बात नहीं पर एक बात समझो आपके मन में ये सवाल जरूर हो सकता है सर इतना सब याद कैसे रहेगा आपके मन में ये सवाल हो सकता है ये सब याद कैसे रहेगा बिलीव मी ये जितना हम लोग सॉल्व करे जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं ना तुम इसको भूल नहीं पाओगे तुम ट्राई कर लेना तुम इसको भूल ही नहीं पाओगे और ये खत्म होने के बाद हमारा ऑडियो रिविजन रहेगा जो तुम्हारे को पंद्रह से बीस मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करके देगा राइट उसके बाद में चार्ट रिविजन है जो आपको पूरा का पूरा वापस याद दिलाएगा तो ये इतने आसानी से नहीं बोलते क्योंकि आगे के हर चैप्टर में टैक्स कैलकुलेशन आते जाएंगे और ये तुम बार 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 मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाओगे समझ में आ रही बात पर हाँ आज के जो होमवर्क है वो आज ही कंप्लीट करने हैं होमवर्क क्या है स्पेशली टैक्स जो चैप्टर है मैंने आपको कल भी बोला था बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया रफ बुक पकड़ो जितना क्लास में सॉल्व कराया वापस एक बार पूरा सॉल्व कर दो क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये तुमको जीवन भर करना है और इनमें तुम्हारी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है समझ में आ रही बात चलो गिव अ फ्रेश पेज टैक्स रेट फॉर अदर्स टैक्स रेट फॉर अदर्स याद रखिए ओल्ड स्कीम अब तक हमने कुछ भी न्यू स्कीम का चालू नहीं किया मैंने न्यू स्कीम ही नहीं पढ़ाया अभी तक आप कहें थोड़ा स्पीड बढ़ा दू अरे दो तीन रीड करा देता हूं ना प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बदले अरे सच में मार्केट में चलता है ऐसा चलो पहला है फर्म एल एल पी लोकल अथॉरिटी फर्म एल एल पी लोकल अथॉरिटी अब तक हमने इसके टैक्स रेट देखे ही नहीं टैक्स रेट कितने परसेंट का है बेटा थर्टी परसेंट फर्म, एल एल पी लोकल अथॉरिटी हैज गॉट अ टैक्स रेट ऑफ थर्टी परसेंट हैज गॉट अ टैक्स रेट ऑफ थर्टी परसेंट वेट अ मोमेंट आई सेड थर्टी परसेंट डायरेक्टली नो बेसिक एग्जामिशन लिमिट फ्रॉम वन रुपीज द टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट सर ऐसा क्यों पूछो ना क्यों इनका कौन सा घर बार बीवी बच्चे जो बीस हजार पर मंथ लगेंगे बात समझना तो इनको कौन सा घर बार बीवी बच्चे कुछ नहीं है इनको नो रिपोर्टिंग कहा हो अब तक आई क्यों नहीं समझ में आ रहा है नो रिपोर्टिंग नो एक्सपेंसेस स्ट्रेट थर्टी परसेंट फिर आता है बेटा सरचार्ज फिर क्या आता है बेटा सरचार्ज सर सरचार्ज कितने परसेंट अप टू वन करोड़ नील बियॉन्ड वन करोड़ ट्वेल्व परसेंट और एचईसी तो आप जानते ही है बचपन से फोर परसेंट सर इसका मतलब इनके लिए सरचार्ज रेट अलग है हाँ वो सब जो था वो इंडिविजुअल के लिए था एच फॉर्म का सरचार्ज रेट बारह परसेंट है ओ oh, सर इसका मतलब सरचार्ज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यस फॉर्म क्लियर है बच्चे से यस सर क्या सीखने को मिला नो बेसिक एग्जामिशन लिमिट बेनिफिट इनके लिए बेसिक एक्सम्शन लिमिट बेनिफिट नहीं होता सो व्हाट अबाउट स्पेशल इनकम फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड ट्वेल्व दीज इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट वो इनकम स्पेशल रेट पे ही टैक्सेबल होंगी वो इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होगी तो आप मुझे जवाब बताइए अगर फर्म को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो टैक्स रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट यस अगर फर्म को पीजीबीपी इनकम इन अराइज होता है तो टैक्स रेट कितना है थर्टी परसेंट समझ में आ रही है बात स्पेशल इनकम है फर्म को लॉटरी इनकम अराइज होती है थर्टी परसेंट यस यही फर्म को एचपी इनकम अराइज होती है 30% परसेंट समझ में आ रही बात यह है फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी डन बेटा चलिए पर्सन की डेफिनेशन फिर से पढ़िए इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एक मिनट फर्म हो गया एपीबीआई हो गया लोकल अथॉरिटी हो गया पर क्या बचा है कंपनी चलिए बेटा आई एम श्योर आपको डीके ने जरूर बताया होगा कंपनी कितने प्रकार की होती है बेटा तीन प्राइवेट पब्लिक ओपीसी बराबर ना तीन कैटेगरी ऑफ कंपनी है हम इनकम टैक्स में ये सब दिमाग नहीं लगाते टाइप ऑफ कंपनी हमारे यहां कंपनी का कैटेगरी दो ही है इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी खत्म हो गई बात समझ में आ रही बात तो कंपनी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला डोमेस्टिक कंपनी दूसरा फॉरेन कंपनी हम कंपनी को यहां पे दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी सर सीनियर सिटीजन को तो सिर्फ पेंशन इनकम आती होगी ना रतन टाटा सर के बारे में क्या कहेंगे आप वो आदमी कई लाखों लोगों को पेंशन देता है उनका इनकम पीजीबीपी है है ना अकेले टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप है ना वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है।, <laughs> है अभी हम अडानी और अंबानी ग्रुप की बात ही नहीं कर रहे अकेले टाटा ही काफी है यस ऐसा नहीं होता बेटा सोच को है ना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा चलिए सर फॉरेन कंपनी के बारे में समझ लेते हैं फॉरेन सर व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी इतना गजब का डेफिनेशन है कि आपको मजा आ जाएगा अ कंपनी विच इज नॉट एन इंडियन कंपनी तो जो इंडियन नहीं और फॉरेनर है टोटल इनकम अप टू वन करोड़ वन करोड़ टू टेन करोड़ अबव टेन करोड़ टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट यस फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी से एक मिनट की एक मिनट जस्ट जस्ट गिव मी मिनट टैक्स एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट प्लस एच ईसी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फॉरेन कंपनी टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट टैक्स रेटीज फोर्टी परसेंट सर फिर तो कौन सी फॉरन कंपनी इंडिया में आना चाहेगी क्यों नहीं आएंगे क्या फॉरन कंपनी इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही क्या कर रही है सर पर क्या बेनिफिट होता होगा चालीस परसेंट तो सरकार लेके जा रही है आप समझ ही नहीं रहे बचे हुए साठ तो है दूसरी बात जितना टैक्स पे वो इंडिया में कर रहे है उसका क्रेडिट फॉरेन में मिल जा रहा होगा डी टी डबल तो ऐसा थोड़ी ना उनके लिए वो कॉस्ट है उनके लिए तो क्रेडिट बन रहा है ना कहीं ना कहीं उनकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती होगी ना उनके लिए तो क्रेडिट बन रहा है कहीं ना कहीं तो वो इतना माइंड नहीं करते दूसरी बात इतना बड़ा कंज्यूमर बेस मिलेगा किधर इंडिया के सबसे अच्छी बात यही है कि उसके पास कंज्यूमर है समझ में आ रही बात उसके पास क्या है कंज्यूमर हमारे पास बहुत कंज्यूमर है चलो अगर फॉरेन कंपनी की इनकम एक करोड़ से दस करोड़ के बीच में है तो टैक्स एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ टू परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट अगर इनकम अबव टेन करोड़ है सिंपल टैक्स एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट सो फॉरिन कंपनीज़ फोर्टी परसेंट लिया जा रहा है सरचार्ज अगर आप देखेंगे टू परसेंट एंड फाइव परसेंट एंड एच ई सी इज एट द रेट ऑफ इसी के नीचे ही हमें लिख देना है एक दो तीन लाइन छोड़ के एक दो तीन लाइन का गैप रखिए इधर इट्स अ ब्रांड मैंने गाली नहीं दी है इट्स अ ब्रांड इसके परफ्यूम्स आते हैं एक्चुअली अच्छे होते हैं यस स्नैल लिमिटेड फॉरन कंपनी टोटल इनकम सिक्स करोड़ बताइए कैसे टैक्स निकालेंगे आई थिंक बड़ा आसान है चलो बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितना माइनस करूं बेसिक एग्जामेशन लिमिट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अच्छा अप टू टेन लैख एक लाख बारह हजार पांच सौ ऐसा कुछ करना है क्या नहीं सीधा टैक्स रेट बोलो बेटा सीधा टैक्स रेट एट द रेट ऑफ फोर्टी परसेंट तो आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा टू करोड़ फोर्टी लैक्स फिर इसमें बोलो क्या ऐड करेंगे सर चार्ज एट द रेट ऑफ टू परसेंट अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में का ये क्लियर है मालिक यस ये था बेटा फॉरेन कंपनी अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनी पे डोमेस्टिक कंपनी के दो अलग अलग रेट है डोमेस्टिक कंपनी के दो अलग अलग रेट है लेकिन इस रेट को बड़ी गहराई से आपको समझना होगा और इसके पहले इसकी एक हिस्ट्री समझना होगा इसके पहले इसकी हिस्ट्री समझना होगा तो आज आपको समझ में आएगा दैट वाई इन टू थाउजेंड एंड फोर्टीन वी आर डीलिंग विद टू रेट्स क्योंकि देखो जब तक तुम्हें अगर सी कोई भी सब्जेक्ट बी इट एनी सब्जेक्ट अगर तुम्हें यह पता है ना ये क्यों हो रहा है तो तुम उसको लॉजिकली एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं तो तुम बोलोगे चल क्या रहा है पता ही नहीं और आप अगर एक बार उसका कोर लॉजिक समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको क्लियरली सेंसिबल होगा हाँ ये इस वजह से हो रहा है तो आप कोर लॉजिक समझना चाहते हैं या डायरेक्ट लिखा हुआ और खत्म करूं समझना है अब सुनो हुआ क्या 2014 ये सारा मसला ही वहां से शुरू हो रहा है लाइफ में समझ में आ रही बात 2014 हुआ क्या जरा देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट हुआ करता था 30% जो कांग्रेस सरकार सरकार राज में चल रहा था अब इन्वेस्टर्स को लुभाना था और कंपनीज को लुभाना था बीजेपी यहां पे क्या करती है दैट इज द करंट एन गवर्नमेंट मैं फिर एक बार वापस से बता दूं हम किसी सरकार को वोट नहीं करते ये सबका अपना अपना पर्सनल मैटर है हम सपोर्ट किसी को नहीं करते मेरे को यहां पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि यहां पे आपको ये बताना कि हिस्ट्री क्या थी बीजेपी सरकार ने तब एक बात कही स्पेसिफिकली मोदी गवर्नमेंट ने क्यों कही बिकॉज गुजरात मॉडल उनका बहुत ज्यादा हिट हुआ था यस yes, तब जाके सीधे चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर पे क्योंकि गुजरात का डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हुआ था और मैं आपको सच में बताता हूँ जिस तरीके से गुजरात ग्रो कर रहा है ना बहुत दूर नहीं है कि यू नो आज जिस पोजिशन पर महाराष्ट्र बैठा है कैपिटा को लेकर के राइट वो गुजरात बहुत जल्दी अचीव कर ले क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट में लाखों करोड़ रुपए गुजरात के अंदर में इन्वेस्ट हो रहे हैं कोई स्टेट इंडिया का और ऐसा है नहीं जो इतना पैसा इन्फ्यूज़ करवा रहा है बीट इंडियन कंपनी से या बीट फॉरेन कंपनी से पर भर के बेनिफिट पहले लोग जो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में आते थे काम ढूंढने के लिए आज वो बहुत ज्यादा इधर से उधर भी शिफ्ट हो रहे हैं काम ढूंढने के लिए सच में क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहां से निकल करके आ रही है बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप वहां से निकल करके आ रहे हैं अगर आप देखेंगे आज गुजरात का सूरत अहमदाबाद बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में बहुत बड़ा यस अब क्या हुआ सर समझिए 2014 के अंदर में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया एक ट्रम्प कार्ड खेला उन्होंने कहा हम कंपनी के टैक्स रेट 25 परसेंट कर देंगे हम कंपनी के टैक्स रेट कितने कर देंगे 25 आई एम टॉकउट दू था हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था लहर भी थी ये आ गए ये आ गए अब कमिटमेंट को देखते हुए पहले ही साल 2019 के अंदर में इन्होंने 30 परसेंट से 29 परसेंट पे लेके आ गए और वादा किया कि अगले पांच साल में हम एक परसेंट एक परसेंट एक परसेंट एक परसेंट रिड्यूस करते जाएंगे बाई टू थाउजेंड एंड नाइनटीन टैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी पहले ही साल में क्या कंपनीज खुश होती यस इमेजिन कंपनीज लाइक विप्रो टीसीएस इनका एक परसेंट भी अगर टैक्स में सेव हो रहा तो ये बहुत बड़ी सेविंग्स है एंड मार्क माई वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग ऑफ इनकम टैक्स है ना जीएसटी नहीं जीएसटी तो आपको सिर्फ कलेक्ट करना दूसरे को देना है एक साथ पच्चीस भी नहीं किया पर भाई ने वादा तो निभाया ट्वेंटी नाइन परसेंट लेके आ गए टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन सारी कंपनियां खुश लहर स्टॉक मार्केट अगले दो साल ये टैक्स कम करना ही भूल गए मतलब 2016-17 ये टैक्स कम करना ही भूल गए अब इस पॉइंट को पकड़ा सबसे पहले उधर दीदी ने दीदी मोहम्मता दीदी दीदी ने पकड़ा एटो तो चोल ना एटो तो चोल ना तुम बोला था टैक्स रेट कम करेगा किधर किया एटो तो चोल ना जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया दिल्ली ने भी मुद्दा उठा दिया ने मफलर वाले बाबा ही गलत है इसकी सीबीआई जांच होनी है। चाहिए उधर हैदराबाद से भी कई लोग चिल्लाए मोदी जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मोदी जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है महाराष्ट्र से भी कई लोग चिल्लाए जर कंपनीचा टैक्स कमी केला नाही मारल्याशिवाय राहणार नाही बात थी क्योंकि लोगों को इस सरकार के खिलाफ और एक पॉइंट मिला था यह बात तो अलग थी पीपल गेगा पच्चीस परसेंट बोला था देखा झूठा वादा हुआ दो हजार उन्नीस में इनको दिखा देंगे अब क्या हुआ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया बोले हाँ हम तो भूल ही गए थे ऐसा भी कुछ करना था <laughs> अब इन्होंने 2018 में आके क्या कहा वर्ड सुनिएगा कैसे खेला 2018 में आके कहते हैं अगर कंपनी का टर्नओवर 16-17 में 18 में खड़े होकर के, के 16-17 ऐसा क्यों क्योंकि 18 में तो आप खड़े हो प्रीवियस ईयर का ऑडिट फाइनल नहीं हुआ होगा तो लोग टर्नओवर के साथ खेल देंगे लेकिन दो साल पहले का टर्नओवर ऑडिट भी हो चुका होगा रिटर्न भी फाइल चुका होगा उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगी अगर सोलह सत्रह का टर्न ओवर करोड़ से कम है तो टैक्स रेट 25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट गेम क्या खेला आपने समझा उन्होंने वादा क्या किया था 25 परसेंट पे लाएंगे 25 परसेंट पे ला लिया ये तो बोला ही नहीं टर्न खेल रहे कंपनी का टर्नओवर 16-17 में 50 करोड़ के नीचे है तो 25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट सारी बड़ी कंपनीज जिन्होंने वोटिंग में सहायता की थी मस्त <uckles> uh, एक नंबर 50 करोड़ का टर्नओवर पच्चीस करोड़ का टर्न एडीजेड का दिन का ट्रांजेक्शन है ये भलता आदमी हो अगर हम नहीं जानते बहुत भलता आदमी एक दिन की बात बता रहा मैं डीके आरजे और दर्शन सर खाना खा रहे चुपचाप खाना खा रहे चारों का टिफिन ओपन है बात कर रहे खाना खा रहे भाई खाना खत्म खा होने से पहले आदमी ने ग्यारह पेटी मार दिए और और पेटी मार के मिनट रुकता तो यार तेरा लाख हो जाते <laughs> <ते> क्या आदमी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सुनो अभी क्या हुआ अब क्या हुआ सरकार ने सारी कंपनीज मस्त पचास करोड़ का चिल्लर दिया और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट क्या है कंपनी के टैक्स रेट किए गए 25 परसेंट बड़ी सौगात <laughs> अब गेम क्या था 25 नहीं थे पर एडवर्टीजमेंट कैंपेन क्या था 25 एडवर्टीजमेंट इज मिसलीडिंग बात समझना <laughs> कोर कंटेंट तो देखना पड़ेगा ना भाई वहां पे 50 करोड़ ही था निर्मला जी ने बोला रुको जरा सबर 2018 है ना 2018 में करते दो हजार में क्योंकि कंपनी की तरफ से आना था और 2019 में इलेक्शन थे बात समझ में दो हजार में इन्होंने क्या किया 50 करोड़ बिकेम 250 करोड़ अगर दो साल पहले का टर्नओवर जिस ईयर में खड़े उसके पे दो साल पहले देखना है तुमको दो साल पहले का टर्नओवर 250 करोड़ तक के है, तो 25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट अब 250 करोड़ में इंडिया की मैक्सिमम कंपनीज आ गई एमएसएमईज भी आ गए तो अब इनके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था 2019 इलेक्शन ईयर 400 करोड़ कुछ समझा क्या मेजोरिटी कैसे आती 400 करोड़ 2019 में खड़े क्या अगर दो साल पहले का टर्नओवर 400 करोड़ तक के है 25 परसेंट नहीं तो 30 परसेंट अब 400 करोड़ में इंडिया की मैक्सिमम कंपनीज आ गई कुछ ही कंपनीज जो बहुत बड़ी है अब जो इतनी 400 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा उनके लिए दूसरा गेम खेला बताऊंगा अभी उनका तो टैक्स रेट पंद्रह परसेंट पे ला के खड़ा कर दिया सीधा पंद्रह परसेंट पे ला के खड़ा कर दिया अब क्या हुआ जो वादा था दो तक के क्या लाएंगे हर कंपनी के लिए पच्चीस वो पूरा हो गया समझ में आया एवरी कंपनी एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज हैप्पी बराबर अब ये 400 करोड़ आज भी चल रहा है स्टैगनेंट तरीके से क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज की इंडिया में कवर हो जा रही है तो अब ट्वेंटी में टर्नओवर कब का देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी कब का देखेंगे ट्वेंटी वन अगर ट्वेंटी वन में टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर नहीं है तो 23-24 में कंपनी का टैक्स रेट क्या है 25 अदरवाइज कंपनी का टैक्स रेट कितना है थर्टी परसेंट सो मान लीजिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्यों क्योंकि करंट ईयर का तो टर्न ओवर फिक्स ही नहीं हुआ है इसके पहले के साल मैनिपुलेट करने के चांसेस अभी भी बचे हैं उसके पहले साल का ऑडिट हो चुका होगा रिटर्न हो चुका होगा सब कुछ फाइल हो चुका होगा वो मैनुपुलेट पॉसिबल नहीं है सेबी को डिक्लेरेशन भी जा चुके होंगे इसीलिए दो साल पहले का टर्न देख रहे हैं तो 23, 24 कहता है 21, 22 में टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे है तो 25 परसेंट अदरवाइज 30 परसेंट नालायक का मन में सवाल जरूर उठेगा सर कंपनी ही इनकॉर्पोरेट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में हुई तो तब तो टर्न ओवर है ही नहीं फोर हंड्रेड करोड़ के ऊपर तो क्या वो कंपनी सीधा पच्चीस से चालू करेगी नहीं तीस परसेंट सर क्यों उन्होंने कहा टर्न ओवर शुड नॉट एक्सीड फोर हंड्रेड करोड़ इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है देर शुड नॉट बी टर्न ओवर समझ में ही बात सो अगर कंपनी ही बाईस तेईस में आई तो वो सीधा तीस परसेंट से शुरुआत करेगी कितने से शुरुआत करेगी तीस परसेंट सर मान लो ट्वेंटी टू का टर्न ओवर थ्री सिक्सटी करोड़ था कंपनी का आज का टर्न ओवर वन थाउजेंड करोड़ी फाइव परसेंट आज का टर्न ओवर का देखना ही नहीं है टर्न ओवर कब का देखना है दो साल पहले लॉ अब समझ में आया कैसा है तब जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ इफ द स्त्री समझी क्या इसके पीछे की इफ टर्न ओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इज अप टू फोर हंड्रेड टोटल इनकम अप टू वन करोड़ वन करोड़ टू टेन करोड़ अबाउट टेन करोड़ क्या मैं कह सकता हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट सो वाट इज दिस सेवन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट सर, मतलब सर चार्ज रेट यहाँ पे भी अलग है हाँ पर्सन भी तो अलग है ना सर व्हाट इज टीओ जो भी आपकी अदर कंपनी होगी इसी जगह पे क्या होगा थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट इस जगह पे क्या होगा थर्टी परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट इस जगह पे क्या होगा थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट आई एम श्योर नाउ यू नो विथ लॉजिक कि ये दो अलग अलग क्यों हुए बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे जी ए दो बार बंद करा फिर चालू कर देते हैं बुला रहा हूँ हाँ बेटा आपका सवाल था बच्चे कंपनी है सेपरेट पैन तो अलग अलग होता है बाद में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मैच करते हैं टैक्स सबका अलग अलग होता है का क्या ये कंप्लीट हो गया हाँ जी, नीचे ही आपका एग्जांपल है आर आई एल लिमिटेड इंडियन कंपनी टर्नओवर इन 21-22 प्रीवियस ईयर 360 करोड़ टर्नओवर इन 23-24 प्रीवियस ईयर 660 करोड़ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 सिक्सटी टू करोड़ टोटल टैक्स ढूँढी और निकालिए can you please tell me what will be the tax rate what is the tax rate tax would be at the rate of 25% everyone so 25% of turnover right 25% of turnover right इनकम पे टैक्स निकलता है टर्न टैक्स रेट देखने के लिए है, है ना तो 62 करोड़ 62 करोड़ इंटू ट्वेंटी परसेंट डन इज इट फिफ्टीन करोड़ फिफ्टी लैक्स टेल मी व्हाट विल बी द सरचार्ज सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट एसी सब जगह के टेम्परेचर हाँ बेटा थर्टी परसेंट होना चाहिए बराबर है दो मिनट रुक पहले सॉल्व कर लेते फिर बताता हूँ ये प्यारी सी बच्ची कह रही है कि ये सर थर्टी परसेंट होना चाहिए आप इस बच्ची को कुछ कहना चाहेंगे कितना होना चाहिए बेटा पक्का पंद्रह मिनट बोला फिर भी लड़की सवाल पूछ रही तुझे लगना की तैयारी करे बाढ़ अरे इतना साला जीवन में जान मार करके तुम्हारे को पूरा हिस्ट्री बता रहा पूरी रामायण खत्म होने के बाद वो सब तो ठीक है सर ये रिलेशनशिप क्या था जिसके लिए इतना पंगा हुआ का। सब जगह के एसी भाई सुना अतर रोज सुबह जब भी अपन एसी चालू करना है सीधा इसको सत्ता नहीं नहीं बंद ही करना है इधर के वही बोल रहे अभी भी ये लोग सीधा सत्ता इस पे कर दे टेंशन ही नहीं काश आता कैसे वाटते सुनो ना एक लाइन इसके नीचे डाल के रखो स्पेशल इनकम एट स्पेशल स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट कंपनीज के अंदर ही स्पेशल इनकम ऑफ कंपनी स्पेशली अप्लीकेबल है टैक्सेबल रेट दैट इज स्पेशल रेट सो अगर कंपनी को कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज हुआ 20 परसेंट और 10 परसेंट एस द केस में भी ओ या इंडिविजुअल एच फर्म कंपनी एओपी बी ओ आई लोकल अथॉरिटी एजेपी सब कवर हो गए नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेपरेट टैक्स रेट है याद रखें हम अब तक सिर्फ ओल्ड सिलेबस में हैं किसका ये है ना नहीं उम्मीद जरूरत ही नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर टैक्स रेट क्या है ऑन द फर्स्ट टेन थाउजेंड रुपीज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन द नेक्स्ट टेन थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी परसेंट ऑन द बैलेंस थर्टी परसेंट ऑन द बैलेंस थर्टी परसेंट सर इनका सरचार्ज वाह अप टू वन करोड़ नील वन करोड़ टू टेन करोड़ सेवन परसेंट अब टेन करोड़ परसेंट, और एच ई सी तो चार परसेंट है ही सर इतना सब पढ़ के अब मेरे को लग रहा है आई सपोर्ट वन नेशन वन टैक्स अब समझा गया तुमको क्या दर्द है तो पे ही करना दर्द नहीं है पढ़ना भी एक दर्द है अब तक सात आठ पेज लिख लिए होंगे तुमने एक ही चैप्टर का है ये आउट ऑफ सेवेंटीन चैप्टर और ये सब पचास मार्क के लिए है सर रोज रोज ये बोलना जरूरी है क्या पहले दिन से आपका माइंड क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट छोटा नहीं है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है हो गया लाल ला। इधर के भी सब हो गए हाँ जी ये इधर का भी एसी भाई सी तरफ कुछ देख ले भाई आगे का भी का। सब क्या करना है? बंद करना है क्या सब के सब तुमको गर्मी होगी बाद में तुम बुलाओगे मेरे को मत बोलना 27 पे शांति से चलने दो इज अ डन चलो वन नेशन वन टैक्स बराबर है कि नहीं इससे होगा ये एक तो पढ़ना पड़ेगा चलो को ऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट टैक्स रेट सर वाय दिया तो बोल भाई ने बोला करने का करने का पहले दस हजार रुपए पे दस परसेंट फिर दस हजार रुपए पे दस बीस परसेंट फिर पूरी इनकम के ऊपर तीस परसेंट कोऑपरेटिव

ओल्ड स्कीम आज हम ओल्ड स्कीम खत्म कर पाए हैं ठीक है अच्छा ध्यान से सुनो आज आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं नोट्स आपने अब तक के नोट्स ले लिए होंगे ये मेरी उम्मीद है नोट्स राइट नाउ बहुत बढ़िया वाह बेटे वाह वाह बेटे, वाह, मज कर दी बहुत शानदार मस्त क्या होमवर्क दू तुमको सर एक सवाल है क्या इतना सब हमारे सिलेबस में है सबसे पहले तो आपको एक बार दिखा दू मैं इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी समझ लो सिर्फ इधर स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट कोर्स इनकम टैक्स बेसिक चैप्टर अकेला बेसिक चैप्टर 104 पेज का है अकेला बेसिक चैप्टर कितना पेज का है 104। सर ये तो फिर सबसे बड़ा चैप्टर होगा? कैसी बातें कर रहे हो? पेज भी हमारे पास कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसी बातें कर रहे हो एक सौ छत्तीस पेज भी हमारे पास।, <laughs> हमार पास बहुत कुछ है का सोच के आए थे? सर सुनिए इधर देखिए हम मॉड्यूल में कहाँ हैं सुनो हम मॉड्यूल में कहाँ हैं अगर आप देखेंगे असेसमेंट पर्सन का डेफिनेशन पर्सन में देखो हमने एच के अंदर में पूरा डिस्कस किया दया भागा मिताक्षरा है रहेगा फिर कंपनीज़ फिर कंपनीज़ के आगे फॉरेन कंपनीज क्लासिफिकेशन फिर फॉर्म और एलएलपी का डिस्कशन एओपी पी का डिस्कशन लोकल अथॉरिटी का डिस्कशन फिर इनकम का बहुत बड़ा लिस्ट है ये अपने को बिल्कुल पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता अलग अलग तरीके का रिसीट और यहाँ से जब तुम आगे बढ़ते हो इधर देखो शांति से इंडिया का डेफिनेशन पढ़ा है हम लोगों ने भी एग्रीकल्चर ये आगे का टॉपिक है अभी का नहीं पहले अभी टैक्स रेट देखना है ये सब जैसे आप आगे बढ़ाओगे वैसे ही आप फर्दर टैक्स कैलकुलेशंस पाओगे एक मिनट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देखो मॉड्यूल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन से पेज पे चालू करता है पैंतालीस जबकि पढ़ाना पाँच चाहिए पहले चार में ये फोर्टी फिफ्थ पेज पे चालू करते हैं भाई साहब फिर कुछ एक्सेप्शन है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टू दी असेसमेंट ईयर याद है करण गणपति डांस कर रहा था ये पांच एक्सेप्शन अनडिसक्लोज सोर्सेज हमारा आगे आएगा ये आगे का कंसेप्ट है इन्होंने यहाँ लिख के रखा है फिर आते हैं टैक्स रेट सरचार्ज सर्चाजेंस फिफ्टी वनथ पेज नंबर पे चालू होते हैं टैक्स क्या है सरचार्ज क्या है एच क्या है फिर इंडिविजुअल के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे थ्री लैक्स लिखा है और आप ऊपर देखिए यहाँ पे हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस लिखा है ये कौन सा स्कीम है बेटा न्यू स्कीम जो अब तक हमारा डिस्कस नहीं हुआ है समझ में आई बात ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये अभी हमारा पूरा डिस्कशन ही बाकी है ये देखिए ऑप्शनल टैक्स स्कीम मैंने कहा था ना जो पहले डिफॉल्ट था वो क्या बन गया ऑप्शनल और ये जो ऑप्शनल था वो क्या बन गया डिफॉल्ट ये देखिए यहाँ है मॉड्यूल के अंदर में टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सात लाख हुआ है क्या बेटा नहीं रिबेट सात लाख पे पहुँच गया क्या नहीं ये आपका मॉड्यूल ये ढाई लाख रुपये सीनियर सिटीजन के लिए तीन लाख रुपये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फाइव लाख रुपीज़ ये सोनो ये देखिए ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एक एक सौ बारह ए एक सौ ग्यारह ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बी 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 जे ये अनएक्सप्लेन मनी वाला बाकी है क्योंकि अनडिसक्लोज इनकम बाकी है यस yes? फिर ये देखिए आपको हर तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे दिए सोलह लाख रहा तो क्या होने वाला है फिर ये देखो ये सरचार्ज वाला गेम ये वो सरचार्ज वाला गेम दस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट थर्टी सेवन परसेंट और ये लास्ट वाला सिचुएशन दोनों मिला के अगर उससे ऊपर गया तो पंद्रह परसेंट मतलब क्लास में आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हो भले ही वो लेंदी लग रहा हो या कुछ भी हो पर ये सब आपके सिलेबस में और सब एज पर मॉड्यूल चल रहा है समझ में आ रही बात फर्दर अब हम ये डिस्कस करने जाएंगे मार्जिनल रिलीफ बराबर फिर ये सरचार्ज के रेट न्यू स्कीम के अंदर में सर मतलब वहाँ पे भी कुछ डिफरेंट है, है ना अभी हमने सब ओल्ड का डिस्कस किया फिर हम सब न्यू का डिस्कस करेंगे ये देखो पूरे टैक्स कैलकुलेशन पूरे टैक्स कैलकुलेशंस, एक एक एक-एक, एक-एक, प्रॉब्लम में इतना कुछ है तुम्हारे को ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स आ रहा है क्या अभी हमने ये डिस्कस किया अभी हमने ये डिस्कस किया कहाँ दिया है मॉड्यूल में पेज नंबर सेवेंटी सिक्स पे समझ में आ रही बात ये देखो फर्म लोकल अथॉरिटी का टैक्स तुम पड़ा पड़ा सा लग रहा है जैसे ये देखो इनके सरचार्ज रेट तो ये वो सब वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्टली मॉड्यूल के अंदर में दिया और हम इसको एक एक करके क्या करे जा रहे हैं डिस्कस वो सर आज के लिए बस हुआ आज आज ना हो पाएगा पर मैं आपको एक सवाल देता हूँ चलो आज के लिए बस करते हैं नई हिम्मत तो आगे नहीं बढ़ेंगे पर एक सवाल देता हूं आपको हाँ इस सवाल को सोचना भी है और सॉल्व भी करके आना है वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड प्रॉब्लम जैसा कि मैंने कहा था मैं आज को आज, आज आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दूंगा और कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका होना क्या है इस भाई की एक सिल्क बाकी यार किसकी थी बाकी ये भाई की एक सिल्क बाकी भाई मैं आज भी नहीं लाया रुक पर मैं देगा रुक अब सुनना हम्म बेटा पीजीबीपी इनकम थ्री करोड़ डिविडेंट टेन लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व थर्टी लैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए थर्टी लैक्स टोटल इनकम करोड़ सेवेंटी लाख। डू यू अग्री आप सिर्फ प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए इसमें क्या अलग है क्या फर्क पड़ रहा है इससे इंपैक्ट समझाइए मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये बहुत ही गजब प्रॉब्लम है इसको हेडिंग दो सरचार्ज एंड डिविडेंड एडजस्टमेंट सरचार्ज एंड डिविडेंट एडजस्टमेंट आज का स्ट्रिक्ट वार्निंग जितना टैक्स कैलकुलेशन मैंने कल से कराया है आज तक के अगर आज आप ये नहीं पढ़ के आए तो कल का लेक्चर नहीं समझ में आने वाला ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी बच्चों को बता दूं, आज तक का जितना है यह तुमको परफेक्टली आना चाहिए ऑन कैलकुलेटर ऑफ कैलकुलेटर सारे बंधन तोड़ देना सब कुछ छोड़ देना आज चुपचाप बैठ करके पूरा एक बार वापस सॉल्व करना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में महारत हासिल करने का एक ही तरीका है सॉल्विंग। तो घर पे जाना रफ और आज नहीं किया तो आप आगे का लेक्चर देखना ही मत बिल्कुल मत देखना आगे का लेक्चर हाँ जी सर क्या डिफरेंट है सर इसमें सर पीडीएफ अपलोड कर देना ऑलरेडी अपलोड कर दिया बेटा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाओ जाके देखो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हाँ जी इस प्रॉब्लम में अलग क्या है प्लीज एक्सप्लेन कीजिए अगर आप डिविडेंड देखेंगे डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैबरेट बट मैक्सिमम सरचार्ज ऑन डिविडेंड इज फिफ्टीन परसेंट आर यू गेटिंग द पॉइंट मतलब टैक्स तो नॉर्मल तरीके से निकालना है पर उस पर सरचार्ज कितने परसेंट से मानना है पंद्रह पर असली दिक्कत आपको तब से अराइज होगी जब आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि टैक्स तो पीजीबी का कॉमन ही निकलेगा फिर उसको बाईट कैसे करोगे आपको इश्यू समझा मैं फिर समझाता हूं कुछ नहीं समझा तुमको हाँ मत करो सुनो कुछ नहीं तुमको अगर तुम प्रॉब्लम को ढंग से देखोगे तो ये टू करोड़ से फाइव करोड़ के ब्रैकेट में ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज कैपिटल गेंस पे फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज वेरी क्लियर फॉलिंग इन पॉइंट नंबर यहां तक के तो सॉर्टेड है ना कि इसी में डाउट है यहां तक के सॉर्टेड है ना हुँ. अब इश्यू क्या है द डिविडेंट इज टैक्स एट द रेट ऑफ नॉर्मल स्लैब रेट वेर ए सरचार्ज ऑन डिविडेंट इज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट अब जो टैक्स निकलेगा वो पीजीबीपी और डिविडेंड के लिए कॉमन निकलेगा तो उसको बाइफरकेट कैसे करोगे इस पे पच्चीस और उसपे पंद्रह करने के लिए बहुत कम बच्चे ये सोच पाएंगे और अगर आपके किसी दोस्त का मान लो ये चैप्टर ही अब तक खत्म हुआ होगा उसको ये दे दो तो उसका जीवन से भरोसा उड़ जाएगा यहां तक के तो पहुंचता ही नहीं हुआ क्योंकि तुमने तुमको सिर्फ एक ही दिक्कत रहेगा कि डिवीजन कैसे करना है उसको तो पूरा दिक्कत रहेगा कि चालू ही कहाँ से करना है हम्म, तो बाइफर किट कैसे होगा आज आपको ये सोचना है और इस पर पूरा दिमाग लगाना है डिस्कशन हम इस पर कल करेंगे सॉल्विंग भी कम करेंगे और अगर किसी को मान लो सॉल्विंग जम गया तो मैं बोलता हूँ प्लीज करो वापस बताता हूँ इशू क्या है इसमें पीजीबीपी और डिविडेंड का टैक्स तो कॉमनली निकलेगा स्लैब रेट के हिसाब से पर दोनों के सचाज रेट अलग अलग है डिविडेंड पे हम मैक्सिमम सरचार्ज पंद्रह ही परसेंट कर सकते हैं जबकि पीजीबीपी पे पच्चीस परसेंट करना होगा तो सवाल ये उठता है कि व्हाटएवर इज द टैक्स उसको आप पोर्शन कैसे करना डिविडेंड के लिए और अदर इनकम के लिए क्या आप में से कोई मेरे को बेसिस बता सकता है अपोर्शन क्या कैसे किया जा सकता है देखो 3 प्लस 10 मतलब 3.10 करोड़ पे टैक्स निकलेगा जो टैक्स निकला वो तो कॉमन है पीजीबीपी एंड डिविडेंड के लिए अब मुझे इसको अपोर्शन करना है डिविडेंड के लिए अलग और पीजीबीपी के लिए अलग यूज योर मैथ्स ऑफ फाउंडेशन कैन आई से सेवर इज द टैक्स दू डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाई टोटल इनकम इतना डिविडेंड प्रपोर्शन का टैक्स होगा वॉट एवर इज द टैक्स इन टू पीजीबीपी इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इतना पीजीबीपी का टैक्स होगा जैसे ही ये दो टैक्स अलग अलग हुए, आपका काम हो गया वापस बता कैसे होगा। हुआ तो प्लीज सॉल्व करके आओ आपको बहुत ज्यादा म... मतलब पूरे एग्जाम्पल नंबर वन से सॉल्व करना यहां तक पहुंचोगे तो एक मिनट में सॉल्व कर पाओगे बस डिजन कैसे करना है मैं आपको क्लियरली बता दू सबसे पहले टोटल टैक्स निकालना जैसे बचपन से निकालते आए हो वैसे ही

टैक्स दोनों के अलग अलग हुए तो सरचार्ज भी दोनों के अलग अलग हो जाते और फाइनल एच भी अलग अलग हो जाता यू गेटिंग द पॉइंट ट्राई करना नहीं भी जमे तो कोई खास बात नहीं है कल का पार्ट है इज दैट डन पूरा रजिस्टर बंद कर दो बराबर और आज हम लोग कुछ जबरदस्त करने वाले हैं क्योंकि मेरे को पता है आप घर पे जाके पढ़ोगे नहीं मैं यहीं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूं ठीक है बुक वुक रजिस्टर बंद कर दिया प्लीज ऐसा मस्त पीछे टिक के बैठो आप जहां कहीं पे भी हो चुपचाप आंखें बंद कर लो और सिर्फ कान का काम है सुनते रहो बराबर है रिकॉर्डिंग अभी नहीं करनी सिर्फ सुनते रहना थ्री और किसी ने भी आंखें नहीं खोलने का सीधा सीधा स्लीप मोड मेडिटेशन मोड में जाओ सिर्फ कान ओपन रखो थ्री टू वन आखे वन हेलो गाइस हम लोगों ने सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्कीम ली ओल्ड टैक्स स्कीम और न्यू टैक्स स्कीम टिल नाउ हमने सिर्फ ओल्ड टैक्स स्कीम पढ़ा है ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर में एक चार्ट बनाया इमेजिन योर बुक हमने एक चार्ट बनाया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी नॉन रेसिडेंट इेस्पेक्टिव ऑफ एज एच यू एफ पी बी आई एजेपी अप टू टू लैक फिफ्टी थाउजेंड निल

ंडर हंड्रेड एंड ट्वेल टेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड इलेवन एन परसेंट कैजुअल विनिंग लॉटरी थर्टी परसेंट ऑनलाइन गेमिंग थर्टी परसेंट एम एम आर फोर्टी फोर फोर परसेंट जो आया है थर्टी परसेंट ऑफ टैक्स प्लस फोर है okay. फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा स्पेशल एडजस्टमेंट अगर की नहीं हुई है of long term capital gain such special income will be first adjusted towards basic exemption limit to long term me se 50000 basic exemption ke liye use ho jayenge bache wa 1 lakh long term capital gain will be taxable at the rate of 20% ye adjustment sirf resident kar payega ye adjustment sirf capital gain income se ho payegi casual income se ye adjustment possible nahi hai fir humne last adjustment padi surcharge एक surcharge का table बनाया है तीन column दिख रहे हैं आपकी book में इसमें दिख रहे हैं आपको आपकी book particulars कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम अदर इनकम अगर मेरी टोटल इनकम पचास लाख रुपए तक के है सर चार्ज इज ना इनकम इज फिफ्टी लैख टेन परसेंट टेन परसेंट इफ माई इनकम इज वन करोड़ टू टू करोड़ एनी इनकम फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट इफ माई इनकम एक्सीड टू करोड़ अदर इनकम एक्सीड टू करोड़

समझ में आ रही है बात अब मैं आगे बढ़ा मैंने फर्म का टैक्स रेट देखा फर्म एल एल पी लोकर अथॉरिटी टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट सरचार्ज एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट इफ इनकम एक्सीड वन करोड़ एट द रेट ऑफ एनआईसी दिख रहा है आपको फिर मैं नीचे कंपनी पे आया कंपनी पे एक फ्लो चार्ट बनाया लेफ्ट साइड में आपने फॉरेन कंपनी लिखा है राइट साइड में डोमेस्टिक कंपनी लिखा है दिख रहा है आपका रजिस्टर फॉरेन कंपनी के लिए अप टू फोर्टी परसेंट सॉरी अप टू वन करोड़ फोर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट वन करोड़ टू टेन करोड़ फोर्टी परसेंट प्लस टू परसेंट प्लस फोर परसेंट अबाउट टेन करोड़ फोर्टी परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट डोमेस्टिक कंपनी दो पार्ट में डिवाइडेड एक पूरी हिस्ट्री समझी थी इस चीज के पीछे ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्न ओवर ट्वेंटी में चार करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा अप टू वन करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट वन करोड़ टू 20 करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट एंड अबाउट टेन करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फो परसेंट अदर कंपनीज के लिए थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट वन टू टेन करोड़ में थर्टी परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट और दस करोड़ के ऊपर के लिए थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फो परसेंट स्पेशल इनकम फॉर फर्म स्पेशल इनकम फॉर कंपनी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट फिर हमने कोऑपरेटिव टैक्स पढ़ा कोऑपरेटिव टैक्स के अंदर में टैक्स रेट पहले दस हजार पे 10%, दस परसेंट दूसरे दस हजार पे बीस परसेंट बचे हुए पूरी इनकम पे तीस परसेंट सरचार्ज एक करोड़ के ऊपर सात परसेंट दस करोड़ के ऊपर बारह परसेंट वही जो कंपनी को एप्लीकेबल है एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट ये था आपका पूरा टैक्स का कैलकुलेशन फिर हमने एक प्रभु दयाल का केस पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अप्रैल के दिन सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन बन रहा है ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एक्सम्शन लिमिट असेसी सेक्शन फोर में लिखा था इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम पे जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स पेड पर्सन का डेफिनेशन में इंडिविजुअल एच यू एफ एजेपी फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांच हेड की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ और टोटल इनकम तब तक नहीं निकल सकती जब तक आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो हेड्स ऑफ इनकम पांच थे जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है एंट्री नंबर एटी टू टू द यूनियन लिस्ट टैक्स लगाने का पावर या तो पार्लियामेंट के टैक्स लॉ बनाने का पावर या तो पार्लियामेंट के, के पास है या तो प्रेसिडेंट के पास है लॉ मेकर लॉ बनाते हैं इम्प्लीमेंटर इम्प्लीमेंट implement करते हैं इंटरप्रेटर इंटरप्रीट interpret करते हैं लेकिन जब भी इनकम टैक्स पढ़ोगे कुछ चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ेगी। एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर, केस लॉ इनकम टैक्स एक्ट को पहली बार 1922 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया सॉरी सर जेम्स विल्सन ने पहली बार लगाया 1922 में पहली बार एक्ट पास हुआ उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद 1961 में लॉ पास हुआ दैट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स रेट ऑफ टैक्स दो तरीके के नॉर्मल स्पेशल नॉर्मल रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट इसीलिए स्लैब रेट पढ़ते वक्त हम कोई सेक्शन नहीं लिख रहे पर एल टी लिखते वक्त सेक्शन लिख रहे हैं

बेटा <laughs> पिछले चार दिन का समा प्रविजन ये है मजा आया पिछले चार दिन का आज आपने जो कुछ पढ़ा है पूरा यहां से उल्टा लेके गया मैं आपको और वहां तक का खींच के लेके आया और ऐसा कई बार करना पड़ता है सब्जेक्ट बहुत लेंदी है समझ में आई बात थैंक यू सो मच बाई एनी स्टूडेंट any kind of doubt please come ग्यारह के बाद जो करना था ग्यारह के बाद कर नहीं ग्यारह के बाद

भैया सर चाच का सिचुएशन किसी को समझना आ जाओ, बताइए सर, बताओ ना, डिफिकल्टी कहाँ है, डिफिकल्टी कहाँ है, ये बताओ, वो समझ नहीं है कि से है वो। आज ये काम करेगा, पहले सेल्फ स्टडी करके आएगा, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर एक एग्जाम्पल लिया है, तो पहले सेल्फ स्टडी कर, कल आ, वापस समझ आता हूँ पूरा, पर पहले तू पढ़ क्या, क्या पढ़ा है दो वीक तक का एग्जाम कैंसिल नहीं ओपन रहता है उसके लिए वो पीजीबीपी पी है तुम्हारे लिए वो बेटिंग है विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो ठीक रहेगा विराट कोहली का एग्जाम्पल ठीक रहेगा उनके लिए इनकम पीजीबीपी है बराबर है अरे बट उनके लिए प्रोफेशन है मैंने जुआ लगाया उनने सेंचुरी मारी तो मेरे को पांच लाख मिलना चाहिए मेरे लिए बैटिंग है उनके लिए पीजीबीपी, पी, मेरे लिए बैटिंग वो अप्लाई तब से होना चालू होगा तो एक अप्रैल से लेके जो आप इनकम कमाएंगे अगले मार्च तक इस इनकम पे टैक्स अगले साल पे करेंगे मतलब उसके अंदर में टी के रेट होंगे तो वो आप फर्स्ट अप्रैल से अप्लाई करना चालू कर दो उसके अंदर प्रोविजन होगी कि भैया ये करना है तो वो अप्लाई वहां से होगा लेकिन टैक्स तो पे असेसमेंट ईयर में हो रहा ना तो 24 वाला अप्लीकेबल इन ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव नीचे फर्स्ट फ्लोर ठीक तो है दर्शन सर आएंगे तो बोल दे वो साइन कर देंगे हो जाएगा तो फिर मैं एक बार देख लेता हूँ है ना हो जाएगा डोंट तो वरी बोल हाँ जी सर बुक्स डिस्पैच कब से होंगे सर चालू हो चुके हैं मेरे को ये देखना पड़ेगा किसी व्यक्ति का कितना क्या है राइट आ सर ये कॉरपोरेट टैक्स में सर ये मैट क्या है बेटा ये जो मैट का कंसेप्ट है ना ये अभी आप प्री में और थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा बाकी है एक बार साइन करके कर, कर। हाँ। पे हुआ नहीं है है रजिस्ट्रेशन। तो नीचे जो आई सी है ना, एक बार वहाँ पूछना तो उनको देगी तो डिटेल्स आ जाएगी हाँ, तो है ना। क्या लिखा है बेटा टोटल इनकम टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड पीजीबीपी कैपिटल गेन ये वो सब मिला के अगर मेरी टोटल इनकम पांच करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा कि नहीं यस सरचार्ज रेट दोनों पे अलग सरचार्ज लगेगा कि नहीं वो इससे डिसाइड होगा हाँ जी फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट हाँ ना ये सिक्स पॉइंट में आ रहा है ना बेटा सरचार्ज के सिक्स पॉइंट में आ रहा है ना ये इंक्लूड करके वो दो करोड़ के ऊपर जा रहा है ना अगर यही छः करोड़ रुपए होता तो इस पर थर्टी सेवन होता और इस पर फिफ्टीन होता अभी इस पर दोनों पे पंद्रह है